पापा जी को हाथ में देखना है कि सोने की अंगूठी, उसको भी निकाल देना, उसको निकाल कर रख लेना। और इधर रो रही थी, उधर बोली तो सोने की अंगूठी निकाल। इसलिए जितनी सब चीज है ना, सब उतार करके यही रख लेंगे, लेकिन अंतिम समय में ठाकुर जी की नाम धनी जाएगा। हर समय क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी की नाम जप करो। इसलिए शंकर जी कोशिश किया तो अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन वो छुपा नहीं सके। शंकर जी कहाँ रहते, कैलाश में बर्फ गोपर में रहते हैं, लेकिन रहने पर भी वो अपने आप को छुपा नहीं सके। क्यों, शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु है। बताओ तो क्या पवित्र वस्तु है, कौन बोलेगा हाथ उठा, शंकर जी। हाँ भैया, ये उनकी जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा मैया, बोला श्री गंगा मैया की। इसलिए शंकर जी को पास में पवित्र वस्तु श्री गंगा है। इतने में शंकर जी प्रभु जी को दर्शन करने के लिए बड़े सुंदर लटझट श्रृंगार करके आए, और अलग निरंजन करके आए, और दरवाजा पर एक दासी थी। शंकर जी ने पूछा, भैया मैंने सुना है नंद बाबा के एक लाला भय है। वो गोपी कहती है, लाला भय तो तेरे कहा भय है। बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आई थी, लेकिन निकली और राक्षसी। अरे तू तो देखने में बेस लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरे जी घबरा रहा है। हमारे लाला के ऊपर में तो बड़ी जल जल नजर लग जाती। बाबा लाला फला दर्शन नहीं होगा। उन्होंने मैया को जा करके बोली। मैया तो देख कर डर गई। बोले बाबा क्या चाहिए। बोले लाला को एक झलक दर्शन करा दो, बढ़िया उसको मैं आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, और तू तो देखने में बेस लग रहे हो, लाला को दर्शन नहीं होगा। सोना चांदी जो लेना लो, अपना रास्ता देखो। कृष्ण को लेकर घर की कोने में छुपा दी, और शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठी गए। बोले जब तक कृष्ण को दर्शन नहीं कराओगे ना, तब तक यहाँ से मैं हटने वाला नहीं। जब शंकर जी स्मरण किया है, प्रभु बड़े दूर से आस आस लगा करके आया हूँ, आपके सारे लीला तो मैंने दर्शन की, लेकिन आपका ये बाल गोपाल रूप मैंने दर्शन नहीं किया, एक बार दर्शन दो। इतने में कृष्ण इतने जोर से रोए, जितने थपथपी लगाओ उतना जोर से रोते हैं, उतना जोर से सब परिवार दंग रह गए। एक गोपी ने कहा, मैया जो बाबा आया था वो वहीं पर खड़ा बैठा हुआ, कहते जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं। लगता है तेरे लाला को ऊपर कोई नजर लगा दिया, जब बाबा को दर्शन करा के ला। फिर मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल की यहाँ पर बूंद लगा करके गले में काला धागा बांध कर बड़ी कष्ट से कृष्ण को लेकर के आती है। बोले ले बाबा तो दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कराए, अभी तक तो कृष्ण रो रहे थे, इतने में कृष्ण तो खिलखिला करके हंसना शुरू कर दिया, और शंकर जी जो हंस रहे थे ना, इतने में शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, ये बाबा कुछ जादू टोना जानता है, ये लाला का हंसना लेकर के लाला को रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जानता है जादू टोना, और वो हाथ रखते ना माताएं सब घिर जाती है। बोले बाबा मेरे तरह हाथ देख ले, बाबा बताओ मेरे क्या होने वाला है। सब शंकर जी को घेर गए हैं। बोले मैया, बोले देखो बाबा मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है नजर छुड़ाने की। बोले एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले तब तेरे लाला को स्नान कराओगे, वो जो पानी बच जाएगी ना, वो चरणामृतों को ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले लाला को जब खाना खिलाओगे जो बच जाएगी उसको ला करके मेरे को दे देना। देखो ये 5,500 साल की कथा है। अगर आप अभी भी नंदगांव जाओगे ना, जब भगवान कृष्ण को कोई बांके बिहारी को भोग लगे, वो सीधा श्री भोले बाबा के पास में आएगा। हैं? जब भगवान कोई वस्तु ग्रहण करते हैं वो होता है प्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब किसी भक्तों की सेवा में लग जाए वो प्रसाद नहीं, फिर वो महाप्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। और भगवान की जो चरणामृत रोज आकर के शंकर जी के सर को ऊपर में अभिषेक करते हैं। आप लोगों को देखा होगा जो कांवर लोग होते हैं ना, गंगा पानी लेकर के बड़ी दूर तक जाते हैं शंकर जी के सर पर डालने के लिए। क्यों, ये गंगा कौन है, ठाकुर जी की
चरणामृत ही तो गंगा है ना, इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा है ठाकुर जी के चरणामृत और ठाकुर जी के अधरामृत प्रसाद। हाँ देखो, जैसे घर में जब भोग लगाओगे, पहले कृष्ण को भोग लगाओ। किसको भोग लगाओगे? कृष्णा नहीं तो राम को। शंकर जी देवी हनुमान नहीं, जैसे हम कभी कभी किया करते हैं, लड्डू ले जाएंगे और हनुमान को मुंह में ठोसेंगे। हनुमान का क्या, हनुमान जी भूखे तेरे लड्डू खाएंगे? ये चीज को समझो, जब तक भगवान राम, जब तक मैया सीता भोजन नहीं करती हैं, जो तीन तुम खाना रख दो हनुमान को सामने, सौ मन भी लड्डू रख लो ना, शंकर जी हनुमान जी ग्रहण करने वाले नहीं। लेकिन प्रभु राम को जब भोग में लग जाएगा कृष्ण को, फिर हनुमान स्वयं नहीं दिख रहे, दिख नहीं, स्वयं हनुमान जी काम करेंगे। इसलिए पहले किसको भोग लगाओ? श्री राम को, नहीं तो भगवान कृष्ण को भोग लगाओ, उसको बाद में फिर शंकर जी को हो, देवी को हो, गणेश जी को हो, हनुमान जी को हो, फिर उसको लेकर के उनको भोग लगाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण करवट ना, ये ब्रज गोपियों को संभालूगा। अभी सबके सब गोपी बैठ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी के लाला की।
बड़ी प्यारी प्यारी भजन गा रही थी। इतने में कृष्ण का नींद खुल गई। नींद खोल कर देखा बैलगाड़ी को नीचे में लेटा हुआ। बोले भैया गोलोक वृंदावन से मैं तो इसलिए आया हूँ, ये आनंद लेने के लिए, उत्सव है मेरे लिए, कीर्तन भी मेरा, सब कुछ मेरे लिए, और मेरे को देखो कीर्तन से कहा अलग अलग मेरे को बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। देखो हमें भगवान का कीर्तन अच्छी लगती कि नहीं लगती है ना, लेकिन आपको पता है सबसे बढ़िया किसको लगता है? भगवान कृष्ण को। कृष्ण कथा जितने मीठा लगता है ना, और किसी को इतने मीठा नहीं लगता है, हैं? और इतना किसी को इतना मीठा नहीं लगता है ठाकुर को सबसे। आप देखना सूरदास जब भजन गाते हैं स्वयं कृष्ण जा करके बैठ बैठ कर सुनते हैं अपना भजन को। कहीं ठाकुर जी की कथा होना स्वयं बांके बिहारी आकर कथा सुनते हैं, हैं? हम तो सुनते हैं स्वयं ठाकुर भी आकर के। देखो एक समय क्या हुआ जयपुर में, मैंने बताया था ना जयपुर में कैसे एक संत आकर कथा करते थे, हर साल कथा करते थे। एक साल बाद में फिर जब कथा करने के लिए आए, सबसे पूछा बताओ तो पिछले साल मैंने कहां पर कथा को विश्राम दिया था? और तो भूल गए सब, इधर उधर देख रहे थे, पर लगता है यहाँ पर कोई ध्यान से कथा नहीं सुनते हो। इतने में मंदिर से आवाज आई, बोले बाबा कैसे कहते हो कोई कथा नहीं सुनते? मैं कथा सुनता हूँ ना, बाकी बिहारी कह रहे। बोले कथा मैं सुनता हूँ ना, आपने यहाँ तक कथा की थी, इसको बाद में ये प्रसंग शुरुआत हुई है। इसलिए अभी कृष्ण को कहाँ लेटा दिया, बैलगाड़ी को नीचे। अभी कृष्ण चाहते भैया मैं भी आऊं थोड़ा कीर्तन का आनंद लो तो, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना, अभी तीन महीना के कृष्ण, आज का दिन ठाकुर जी करवट लिए हैं, अभी भी ठाकुर जी गुठन पर भी चलना ठाकुर को नहीं आता है। अभी कृष्ण ने देखा अगर मैं थोड़ी सी रो मैया को कान में आवाज पड़े, मैया फिर मेरे को उठा कर ले जाएगी। इतने में कृष्ण रोना शुरू किया, लेकिन मैया तो लेन देने में लगी हुई थी, कीर्तन हो रहा था, मैया को कान में आवाज नहीं पड़ी। कृष्ण ने सोचा भैया इतना तो रो लिया, कब तक तो रो, इतना तो रो लिया, लेकिन मैया अभी तक तो उठा करके ले ही नहीं रही है। कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस एक राक्षस भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। ये पूर्व जन्म में ये हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन लोमहर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए उनके सारे बाग बगीचा को उन्होंने तसनच कर दी। ऋषि ने अभिशाप दी, बोले भगवान तेरे को इसलिए इतने मोटे छोटे बनाए संतों के बाग को उजाड़ने के लिए, अभिशाप देता हूँ जिस शरीर में तुम्हारे इतने अहंकार है ये शरीर नहीं रहेगी, तुम्हारी गायब हो जाएगी। देखा सचमुच से धीरे धीरे उसका शरीर तो गायब होने लग गया, उसका सारी नशा उतर गई। उन्होंने ऋषि के चरण में गिर करके माफी मांगी, बोले ऋषिवर मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले ठीक है जाओ, तुम द्वापर युग में कृष्ण जब गोकुल में जन्म ग्रहण करेंगे उनकी चरण स्पर्श से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतने में उसका शरीर था नहीं, वो बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया। देखा कृष्ण लेट हुए, धीरे धीरे मेरे दबा दूंगा तो कृष्ण पीस जाएंगे और प्राण त्याग देंगे। इतने में कृष्ण ने अपना चरण को धीरे धीरे कृष्ण ने चलाया और उन्हें ऐसे ठोकर मारी ना पूरा बैल गाड़ी पलट गई है, सबके सब वहां तसनस हो गया। जितने वहां पर मिठाई जितने दूध दही सबके सब तसनस हो गई, गोपियां भाग करके गई। बोले भैया आंधी तूफान नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे है? सखाओं ने देखा था, बोले मैया मैया हम लोग बोलेंगे, बोले बोलो, बोले लाला की चरण की ठोकर से। मैया को विश्वास नहीं हुआ, अभी मेरे लाला तीन महीना की, इनकी चरण इनकी ठोकर से कभी बैल गाड़ी पलट सकती है? मैया को विश्वास नहीं हुआ, मैया वहां से कान्हा को उठा करके ले गई, फिर उनको काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाई, राय ने उनसे मंत्र करके उनको ऊपर छिड़काव कराया। हाँ देखो इसमें ये शिक्षा देते हैं, जैसे आज यहाँ उत्सव हो रही थी, घर में उत्सव हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया ठाकुर जी को उत्सव से अलग कर दिया, कहाँ लेटा दी बैलगाड़ी को नीचे, और घर का जितने दूध दही कहाँ रख दिया बैलगाड़ी को ऊपर में, मतलब भगवान को कर दिया तो नीचे, लेकिन जो सांसारिक जो वस्तु को उन्होंने कर दिया ऊंचा। भगवान ने कहा भैया मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, उत्सव मेरे लिए, और मेरे को क्या किया बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी।
इसलिए भगवान ने ठोकर मार कर सब सत्यानाश कर दी। इसलिए शिक्षा देते हैं, अगर घर में हमारी कोई उत्सव हो, घर में कोई पर्व हो, पहले क्या करो, जैसे बच्चे का बर्थडे है, बच्चे के लिए नया कपड़ा लाते कि नहीं लाते हो? कितना गिफ्ट पता नहीं क्या क्या कितना गिफ्ट देते हैं। बच्चे के लिए तो ले आए हमने, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं लाए। ठाकुर जी कभी कभी एक कपड़ा पहने हुए होते हैं 10 दिन से 15 दिन से, ठाकुर जी 1 महीना से एक कपड़ा पहन कर रखे, और हम लोग क्या करते हैं, दिन में 2 बार कपड़ा बदलाते हैं। कितना बार कपड़ा बदलाते हो? 2 बार कपड़ा बदलाते हैं। कहते नहीं भैया, भगवान के लिए भी भगवान को प्रत्येक दिन क्या करो, ठाकुर जी को अभिषेक करो, ठाकुर जी को सुंदर तिलक लगाओ ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को कपड़ा पहनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार करो। आप देखोगे ठाकुर को जितने सुंदर सजाओगे, ठाकुर को जितने सुंदर श्रृंगार करोगे, अपनी आप उतना सुंदर सज जाओगे। हैं, जैसे अपना शरीर को सजाओ, शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना शरीर को जैसे सजाओगे परछाई भी वैसे सज जाती है। इसलिए ठाकुर को आप देख लेना, जितने सुंदर कान्हा की सेवा करोगे घर में, सुंदर उनका स्नान कराओ, तिलक लगाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाओ, फूल थोड़ा ठाकुर के चरण में फूल दो, अगर पास में कहीं फूल है थोड़ा फूलों की माला बनाओ, ठाकुर जी को पहना, देखो ठाकुर जी का सजाओगे, जो जितने ठाकुर का आप सेवा करोगे देखोगे संसार में उतना फलते फलते रहोगे, उतना ही शांति सुख रहोगे, कृष्ण खुश है ना, इसलिए आप भी खुश रहोगे। अगर ठाकुर को करोगे नहीं, दिन भर अपना शरीर को ही दिन भर सजाने में लगते लग जाओगे, फिर तो गया तुम्हारी है। इसलिए क्या करो, ठाकुर को अच्छे तरह से ठाकुर को सुंदर करके सजाओ, ठाकुर को सेवा करो। देखो एक सुंदर स्टोरी सुनो, ध्यान देकर देखो। आप लोग कोई जयपुर तो गए नहीं, कोई गए हो जयपुर? वहां पर कृष्ण का समय से वज्रनाभ ने 3 ठाकुर को स्थापना किया था, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। अभी गोविंद और जो गोपीनाथ अभी जयपुर में, लेकिन जो मदन मोहन है अभी करौली में है, करौली में। कहते वो करौली गई कैसे, बोले श्री राजा मान सिंह का नाम सुने होंगे, इनकी एक बेटी, बड़ी प्यारी बेटी थी, लेकिन वो थी कृष्ण भक्त, पिता माता कृष्ण भक्त, वो भी कृष्ण भक्त थी। वो बचपन से क्या करती थी, अपना हाथों से मदन मोहन को श्रृंगार करती थी, अपना हाथों से फूलों की माला बनाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, सजाया करती थी। अब देखना, अब जिसको अपना हाथों से सेवा करोगे ना, उससे तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। जैसे बच्चों के लिए करते हो, बच्चे में प्रेम हो जाती है, पति के लिए करते हो प्रेम हो जाती है, अब जिसके लिए करोगे उसको साथ में प्रेम होगा। अगर ठाकुर के लिए करोगे ना, ठाकुर को भी प्रेम नहीं होगी। अभी वो ठाकुर को सेवा करते करते ठाकुर जी में प्रेम हो गया, अभी बेटी हो गई बड़ी। राजा ने इनकी शादी तय किया करौली में, करौली का राजू राजा से। उन्होंने बेटी को पूछा, बोले देख बेटी, मैं दहेज रूप में जो दूंगा तो सो दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी मन में कुछ इच्छा हो तो मांग ले। बोले पिताजी, मैं बचपन से ये मदन मोहन जी को मैं सेवा करती हूँ, इनमें हमारी प्रेम है, ये ठाकुर मेरे को दे दो। लेकिन उनका नाम ही मदन मोहन, बहुत सुंदर थे। राजा ने कहा, देख बेटी, और कोई एक ठाकुर ले लो, मदन मोहन को मत लिया करो। बोले पिताजी, तभी मैं शादी करूंगी जब मेरे को दहेज रूप में ये ठाकुर जी को दोगे, ये ठाकुर जी को दोगे तभी मैं शादी करूंगी। इसलिए आप लोग भी जो शादी करो ना, सौगात शादी हो गई, इसलिए अपना पियर से क्या लेकर के आनी चाहिए, गोपाल जी को क्या लेकर के आई हो? लेकिन कपड़ा चुपड़ा सोने चांदी तो ले आते, लेकिन असली चीज को छोड़ कर आ जाते हैं। कौन कौन अपना जब पियर से शादी करके ससुर घर में आए, कौन कौन ठाकुर को साथ में लेकर के आए हो? हाथ उठाओ तो देखो, एक गोपी हाथ उठाई, दहेज में उन्होंने अपना घर से उन्होंने सिर्फ ठाकुर जी को लेकर के आए। देखो ये प्रेम का लक्षण है, ये प्रेम की ये लक्षण है। बोले पिताजी, मेरे को ये मदन मोहन को मेरे को दहेज रूप में दो। पिताजी ने कहा, देख बेटी, और किसी ठाकुर को ले लो, लेकिन मदन मोहन को मत लिया करो। बोले मैं लूंगी तो यही ठाकुर, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अभी राजा को साथ में बेटी की ना ये हो गई, लड़ाई हो गई, तक तब भी शादी करूंगी अगर दहेज रूप में मेरे को ठाकुर दोगे तो। अभी बेटी को तो शादी देना ही पड़ेगा। बोले देख बेटी, मैं तेरे को परीक्षा करके दूंगा। बोले पिताजी, क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे पास में बहुत सारे ठाकुर है, इनको मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा,
तेरे आंखों में काला पट्टी बांध कर छोड़ दूंगा और जिस ठाकुर को तुम स्पर्श करोगे वही ठाकुर को दूंगा। बोले ठीक है पिताजी। अभी रात को जब वो राजकुमारी विश्राम की, रो रो करके बांके बिहारी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी तुम मेरे प्रेम को जानते हो, तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, सुलाए बगैर मैं सोती नहीं, रोज तेरे को अपना हाथों से श्रृंगार करती हूँ। मैंने सुना तुम क्या प्रेम का ठाकुर हो, केवल प्रेम भी भूखे हो। अभी मेरे को पता कैसे चलेगा तुम मदन मोहन है। जब रात को रो रो करके सोई, ठाकुर जी सपने में आए। बोले देख बेटी कोई चिंता मत करना, एक काम करियो, जब सारे ठाकुर को लाइन करके खड़े कर देंगे ना, तुम सब ठाकुर को शरीर में हाथ लगाते लगाते आना। जब तुम मेरे पास में आओगे मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा। राजकुमारी इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई, बोले ठाकुर तो मेरे ऊपर राजी। ठाकुर जी दूसरे दिन सारे जयपुर के लोग आए, राजकुमारी कौन सा ठाकुर को लेकर के जाएंगे, आंख में काली पट्टी बांध दिए। जब उसने इसे हाथ करते करते ये मदन मोहन के पास में आए ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए। लेकिन ये चीज को केवल राजकुमारी समझ रही थी, मेरे को मदन मोहन हाथ पकड़ कर रखे, लेकिन और कोई नहीं देख रहे थे। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दो। पिताजी बोले भैया इतने सारे ठाकुर में कैसे पता लगाया मदन मोहन ने। राजा ने बोले, राजा मान सिंह ने बोले बेटी तेरी जीत हो गई, मेरी हार हो गई, तो ये ठाकुर को दहेज रूप में ले जाओ। इसलिए ये ठाकुर जी फिर ये जयपुर से ये चले गए करौली। राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, विशाल मंदिर बनाया, रोज रोज हजार हजार लोग दर्शन करने आते हैं वो ठाकुर जी को। देखो अगर हम ठाकुर को सेवा करेंगे ना, जिसको तुम सेवा करोगे उसको साथ में तुम्हारी प्रेम उसको साथ में होगी। इसलिए क्या करनी चाहिए, अगर ठाकुर जी को प्रेम करते हो हैं, अगर प्रेम करते हो घर में लड्डू गोपाल जरूर होनी चाहिए। घर में रोज ठाकुर जी को स्नान कराओ, उसका जो चरणामृत, बच्चों को चरणामृत पिलाओ। इसलिए देखो चरणामृत का मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्प व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकंपित्वा शिरसतः। अगर जो व्यक्ति रोज रोज ठाकुर की स्नान का पानी लगा, देखो मंत्र है अकाल मृत्यु हरणम, अगर तुम्हारी कहीं अकाल मृत्यु होने वाले, अकाल मृत्यु नहीं होगा, सर्व व्याधि विनाशनम सारे तुम्हारी रोग बीमारी सही हो जाएगी, और विष्णु पाद तकम पित्वा शिरसाधारणम, कहते भगवान की चरणामृत पीकर क्या करने का चाहिए, अपना सर पर लगाओ। अभी हम थोड़ी देर में बात में सुनेंगे कृष्ण क्यों कालियों का सर पर नृत्य किया है, हैं? कारण है कभी उन्होंने चरणामृत को अपना सर पर लगाए थे, एक दिन ठाकुर जी ये कालियों के सर पर ठाकुर जी नृत्य किए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कोई जयकार नहीं दे रहा, जोर से बोलो, सब ठंडा लग रहा है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक दिन मैया जसोदा लाला को, जैसे कभी कभी बच्चे को हम ऐसे उछालते हैं ना, ऐसे कन्या को उछाल रही थी। कृष्ण सोच रहे थे मैया क्या कर रही है, मेरे को थोड़ी दूर उछाल रही है, मैं तो चाह रहा हूँ थोड़ी कोई एरोप्लेन आ जाए और उसमें बैठ करके थोड़ा वृंदावन घूम लो, क्योंकि किसी दिन बाद में मेरे को तो घर घर में मक्खन चोरी करना पड़ेगा, कम से कम देख लू कौन कली में किधर जाऊं नहीं आऊं। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति ने ये तृणावर्त भेज दिया। ये तृणावर्त एक आंधी तूफान रूप में आया। कृष्ण ने देखा भैया मामा तो आ गए लेने के लिए, अभी प्लेन आ गया है, उड़ करके जाऊंगा, लेकिन मैं तो अपने आप को बचा लूंगा, अगर मैया को उड़ा कर ले गया तो मैया क्या करेगी। कृष्ण इतने वजन बढ़ा दिया जैसे पत्थर कोई चट्टान है, मैया ने कन्हैया को रख दिया नीचे। इतने में तृणावर्त आया, आंधी तूफान रूप में कृष्ण को पकड़ कर ऊपर उड़ा करके ले गया है। इतने में कृष्ण उसकी गला पकड़ करके, कृष्ण की इच्छा होती ना प्लेन आ जाए उड़ू, सचमुच से पूरा वृंदावन घूम गए हैं, पूरा वृंदावन घूम गए एरोप्लेन में। अभी लैंडिंग करेंगे ना, नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन उतर कैसे नीचे, अब देखना किसी बच्चे को अगर ज्यादा ऊपर में उछाल दो ना, बच्चा डर जाता है, और डर कर क्या करता, मैया को पकड़ लेती है,
इतने में कृष्ण डर करके उसको गले को पकड़े और गले को ऐसे दबाया उसको पूरा श्वास घुट गया और इतने में उसने धड़ाम करके गिरे पत्थर को भर में और एकदम चकनाचूर हो गई, एकदम चकनाचूर हो गई। मैया बोली लाला को तो यही सुलाया था, गया कहाँ? देखा कृष्ण दूर में पड़े हुए। फिर मैया से हाँ दूर से मैया उसको उठा करके ले आते। देखो उसमें सीखा है, कभी कभी जैसे आप लोग भजन करते हैं कभी कभी हमारे जीवन में कोई आंधी तूफान आ जाती है। क्या आ जाती है? जब जीवन में भक्ति करो थोड़ी बहुत कोई दुख कष्ट आ जाते हैं ना, हम कभी कभी विचलित तो हो जाते हैं। हम ठाकुर को इतना पूजा किया, सेवा किया, हम जीवन में ठाकुर की इतनी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हमें ऐसे दुख कष्ट दिया, ठाकुर जी हमें ऐसे दुख कष्ट क्यों देते हैं? देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुन लो। एक समय दो भाई थे, कितना भाई थे? एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिक समझते हो? जो भगवान भगवान को कुछ नहीं मानता। आस्तिक मतलब जो ठाकुर को खूब भक्ति पूजा करता, जो मानता है। लेकिन जो आस्तिक था मतलब जो मानता था, जो नास्तिक था, जो आस्तिक भैया को चिढ़ाया करता था, क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो और ये ठाकुर को सामने ये पत्थर को सामने दिन भर तो बैठे रहते हो, बेकार ये सब काम कर रहे हो, है ये सब बेकार बेकार सब ढोंगे जो बेकार चीज है। एक दिन दोनों भाई निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते जो भैया भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देखा तू तो इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते हो और मैं तो कुछ करता नहीं, देखो सोने की मोहर मिल गया। और जिसको जो भक्ति करता था थोड़ी दूर गया ना, उसको पैर में एक लोहे की सिक गड़ गई और खून बहने लग गया। मतलब देख लिया तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला? इसलिए सब बेकार काम है, हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण सब बेकार चीज। वो तो दुखी दुखी हो गया। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी तेरे में इतने भजन भक्ति करता हूँ, तू ऐसे सबको सामने मेरे को बेइज्जत करते हो। इतने में आकाश वाणी आई, बोले बेटा ऐसे मत समझो, जो भक्ति करते हैं उनको दुख मिलता है, जो नहीं करते सुख मिलता है। बेटा सुन लो, तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुन लो, क्यों ऐसे मिला? ये जो तुम्हारी भैया है पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य की थी, आज का दिन राज दरबार में राज सिंहासन में बैठने वाला था, राज मुकुट पहनने वाला था, लेकिन वो मेरे को और मेरे भक्तों को निंदा करता है। करते करते उसका जितने पुण्य सारे खत्म हो गए, सारे पुण्य खत्म हो गई, उसको एक सोने की मोहर देकर वंचित कर दिया। तेरी बात सुन, पहले जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलना था, चूंकि तू मेरी भक्ति करते हो भजन करते हो मैंने तेरे सारे पाप को नष्ट कर दिया। करते करते लास्ट में कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए एक लोहे का सीक गड़वा करके तेरे को छोड़ दिया। हाँ तेरे को मैंने छोड़ दिया, ये मत समझो जो भक्ति करते हो। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान के नाम अमंगल को दूर करने वाले हैं। अगर भक्ति करते करते जीवन में अगर छोटी मोटी कोई विपत्ति आ जाए, ये मत समझना हम इतने ठाकुर का भजन किया पूजा पाठ किया और ठाकुर जी हमें कष्ट दे रहे, ये नहीं सोचना। क्या सोचना? मानो जीवन में कोई बड़ा दुख था, ठाकुर जी थोड़ी सी दुख दे करके हमें छोड़ दिया, ठीक है ना? ये चीज को समझनी चाहिए, भगवान के ऊपर कभी दोष नहीं देनी चाहिए। देखो और एक उदाहरण देता हूँ, सही सही अपना दिमाग में बैठाओ, जीवन में कोई विपत्ति आ जाए ना ये चीज को समझो। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये उत्तर देना, देखता हूँ कौन उत्तर दे सकता है, ध्यान देकर सुनो। जैसे गांव में गेहूं की खेती होती है, देखना एक ड्रम रख लेते, ड्रम रख लेते, वो ड्रम का अंदर में डाल देते, नीचे से एक होल होता है, जितना जरूरत है नीचे से निकालते हैं। जैसे इसी साल में गेहूं की खेती की, लेकिन वो गेहूं का दाना छोटा छोटा हुआ, उसको भी ड्रम में डाल दो। दूसरे साल में जब खेती की, गेहूं का दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर से डाल दो। अभी जब नीचे से निकाला तो सबसे पहले क्या निकले, कौन सा गेहूं निकलेगा? कौन बोलेगा हाथ उठा? क्यों छोटा वाला? तो ऊपर जो ऊपर से बड़ी गेहूं डाली ना, छोटा क्यों निकलेगा? हाँ ये चीज को समझो, अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ इस चीज को। कभी कभी भक्ति करने पर अगर जीवन में विपत्ति आए तो कभी कभी हम भ्रमित तो हो जाते हैं, हम इतने ठाकुर को सेवा पूजा कर रहे हैं, ये दुख क्यों आई, क्यों आई? अभी हमें पता नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या करके आया है, ये चीज को हमें पता ही नहीं। छोटी गेहूं डाले,
छोटी गेहूं निकलेगा बड़ा भी निकलेगा, लेकिन जब छोटी खत्म हो जाए, जब छोटी खत्म हो जाएगा बड़ा भी निकलेगा, लेकिन छोटी तो पहले खत्म कर दे दो है। इसलिए हाँ देखो, अगर तुम भगवान की भजन किया, जैसे वाल्मीकि ने पहले दशरथ नगर था, लेकिन इतना पाप किया था, जब नारद बोले बोलो राम, बोलो बोलो राम, अब कोई बोल नहीं रहे, बोलो उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो ना, इतना तो बोल सकता हूँ हाँ इतना। अगर वो वाल्मीकि ने मरा मरा करते 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 इतने बड़ा विद्वान हो सकता है, अगर हम प्रभु का नाम जप करेंगे फिर क्या नहीं होगा। इसलिए प्रभु का नाम ही इतने सत्ती, प्रभु का नाम है इतने सत्ती, प्रभु का नाम है। हाँ ध्यान देकर सुनो, अगर प्रभु का नाम को तुम जप करोगे ना, बड़े से बड़े दुख कष्ट भी अपनी आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्या करना, हर समय हाथों में काम करो और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में बोलो जोर से, सही बोल रहे हो। ये नाम को लेकर के जाना, ये नाम को लेकर के जाना, हर समय हाथों में काम करते रहो और मुंह में एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोगों को मैं सुनूंगा जोर से, हरे कृष्णा आवाज नहीं आ रही, और जोर से हाँ, और एक बार जोर से बोलो जो चतुर जाए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश। कृष्ण धीरे 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 भगवान कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते कृष्ण ने थोड़ी सी जंभाई ली, जब जंभाई ली इतने छोटी सी मुंह में विश्व ब्रह्मांड को मैया ने देख ली, मैया तो डर गई, मैं क्या अलाई बुलाई क्या मैं देख रही हूँ, इतने छोटी सी लाला को मुंह में विश्व ब्रह्मांड है, मैया तो डर के मारे आंख बंद कर दी। फिर जब आंख खोल करके देखती है ना, वो छोटा सा लाला का छोटा मुंह है। बोले प्रभु ने ये ब्रह्मांड रूप क्यों दिखाए। मैया जसोदा बहुत डरी हुई, क्यों, पहले पुतना आ गई, फिर सकटासुर आ गया, फिर त्रिनावर्ता आ गया, मैया तो इतने डरी हुई। बोले भैया मेरे लाला के ऊपर में इतने आपत्ति विपत्ति क्यों आ रही है। मैया डरी हुई थी, इसलिए मैया आज जो लाला को दूध पिला रही थी, हर माताओं को पता है बच्चा कितने दूध पीने पर पेट भर जाती है, हर माताओं को पता है। देखना बच्चा अगर ज्यादा दूध पी लेना फिर पेट पतला हो जाती है। आज कृष्ण इतने दूध पी रहे थे, इतने दूध पी रहे थे, मैया तो डर रही थी, बोले लाला का पेट खराब नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण अपना मुंह खोल कर बोले मैया मेरे को तो साधारण मत समझो, तेरे दूध से मैं पल रहा हूं, नहीं मैया तेरे दूध से ये विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं। बोले मैया डरने का कोई बात नहीं, इसलिए मैया तू डर मत, क्यों तू सोच रही हो राक्षस लोग आ गए ना, राक्षस मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मैं तेरा जो लाला हूं ना साधारण नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए, जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में है, ब्रज में जो कोई आते है ना सबके सब एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। आप एक भजन सुन लो, भजन गा नहीं राम लक्ष्मण सीता बना रहे हैं, ए बच्चों बना रहे हैं राम लक्ष्मण सीता, जब बन जाएंगे ना मेरे को बोल दो। मेरे घर का बहु नया में सावरिया ओए रोजी रोजी बहकावे, मेरे घर का बहु नया में सावरिया ओए रोजी रोजी बहकावे, सावरिया सावरिया
श्यावर रामचंद्र की विशाख दिन सा देख लो तो हाँ देखो एक समय मैया जशोदा लाला को गोद में सुला रही थी और सुलाते समय थपथपी लगा करके
जैसे माता है बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते है ना, ऐसे मैया जसोदा लाला को रोली सुना रही थी। बोले देख लाला कन्हैया, दशरथ महाराज नामक एक राजा थे। कृष्ण बोले हूँ। बोले महाराज का घर में तो सारे सुख था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थे, इसलिए महाराज जी बड़े दुखी थे। बोले हूँ। बोले एक समय उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को बुलाए। बोले वशिष्ठ जी, मैं चाहता हूँ घर में मेरी संतान हो, इसलिए आप यज्ञ करवाओ। लेकिन इस साधारण व्यक्ति यज्ञ से जो खीर बनेगी उससे बच्चा नहीं होगा। बोले कैसे होनी चाहिए ब्राह्मण? बोले जो आठ तरह का जो मैथुन है इससे ऊपर होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण रूप में संसार का कामना वासना से पूर्ण रूप में मुक्त होनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति अगर यज्ञ करे, वह यज्ञ से अगर खीर बने, वो खीर खिलाया जाए ना, तभी संतान होगी। बोले भैया ऐसे ऋषि मिलेंगे कैसे? बोले ऐसे एक ऋषि है जिसका नाम ऋषि सिंह मुनि, जिसका नाम श्री ऋषि सिंह मुनि, अगर उनको किसी तरह से ला करके यज्ञ करवाओ। कृष्ण बोले हूँ। बोले जब यज्ञ किए, साक्षात यज्ञ से स्वयं अग्नि देवी स्वयं प्रकट हुई। प्रकट होकर के उन्होंने वो खीर को प्रदान की। बोले हूँ। बोले राजा ने वो खीर को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानी को उन्होंने खीर बंटवा दिए। बोले हूँ। बोले उपयुक्त समय होने पर स्वयं भगवान ये चतुर्व्यूह रूप में ठाकुर जी आए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कभी जो भगवान की ये चतुर्व्यूह है वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रूप में ठाकुर जी जन्म लिए। बोले श्री राम लाला की। जब जन्म हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया कितना दिन तक वो उत्सव तली? बोले एक महीना तक वो उत्सव तली है, एक महीना तक सबके सब प्रभु की जन्म उत्सव में इतने नाए, इतने गाए, इतने नाचे, पूरा अयोध्या नाच उठा। भगवान राम लला जब जन्म हुए हैं, अब गा सकते भाई? बच्चों को बनाए बने, ठीक है, जब बोलूंगा तो बुला। अच्छा पढ़ो पढ़ो। भई प्रभु की कृपा दया दीन दयाना कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मन हारी अदुव देवो कृपा कौशली अभिनामा अनिरम श्यामा Thank you.
दूसरा बेटा का नाम रखा भरत। भरत मतलब भक्ति को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करे, भक्ति का जो आदर्श श्री भरत। तीसरा बेटा का नाम रखा लक्ष्मण। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, जो लक्ष्मी को बढ़ाने वाले। बोले कौन सा लक्ष्मी? बोले भक्ति प्रेम रूपी लक्ष्मी को जो बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण। चौथा बेटा का नाम पड़ा शत्रुघ्न, शत्रु के ऊपर में जो विजय प्राप्त करे। अब ये चार बच्चों का जब नाम करने की, बच्चे जब धीरे 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 बच्चे बड़े हो रहे थे, बड़े होने पर उन्होंने अपना गुरुकुल में गए। गुरुकुल में 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को अध्ययन करते हुए वापस आए। एक दिन से विश्वामित्र जी आए, बोले दशरथ महाराज मैं चाहता हूँ आपको दो बेटा राम लक्ष्मण को मैं लेकर के जाऊं, क्योंकि जब हम जब यज्ञ करते हैं, ये राक्षस लोग विष्टा मूत्र को विसर्जन करके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। हम मैं तो वध कर सकता हूँ, लेकिन चाहता हूँ ये जस राम लक्ष्मण को मिले। अगर हम यज्ञ करते समय क्रोध किया तो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। हम चाहते हैं ये जस श्री राम लक्ष्मण को मिले। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर गए और भगवान ने वहां पर उन्होंने यज्ञ को वहां पर सफल किया है। जब एक यज्ञ को सफल की, विश्वामित्र जी ने कहा देख राम, एक यज्ञ तो तुमने सफल किया, लेकिन और एक यज्ञ कहाँ हो रही है? जनकपुरी में हो रही है। वो यज्ञ भी तुम्हें सफल करना पड़ेगा। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को जब लेकर के जा रहे थे, बीच में उन्होंने अहल्या को उधार की। अहल्या उधार करके जब पहुंचे कहां, जनकपुरी में पहुंचे, प्रभु देखने में इतने सुंदर राम लक्ष्मण थे। जनक तो पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान को निराकार निराकार समझते थे, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता। जब राम लक्ष्मण को दर्शन करते ही जनक मुनि का रोम रोम खिल उठा। जो भगवान को पहले ब्रह्म ब्रह्म बोलता था वो सारे खत्म हो गया, अभी राम रूप में ही एकदम डूब गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जो एक धनुष था, जो शिव धनुष, वो व्यक्ति को 400 व्यक्ति उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। एक दिन मैया सीता गेंद खेल रही थी, खेलते खेलते भूल से वो गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया। इतने में मैया सीता, सीता छोटी बालिका थी, एक हाथ से उन्होंने उठाकर गेंद से निकाल ली। ये एक कथा। दूसरी कथा आती है
सीता क्या करते थे रोज, वो धनुष को उठाकर उसको नीचे लिपा पोता लगा लेती थी। जनक महाराज देखे, हे भगवान, जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, मेरी लाली एक हाथ से उठा देती है। भैया इसका पति तो ऐसे होनी चाहिए, लगता है मेरी बेटी साधारण नहीं, लगता है मेरी बेटी लक्ष्मी है, मेरी बेटी लक्ष्मी। अब इसको कौन उठा सकता, नारायण ही उठाएगा। इसलिए वो धनुष को जो उठा लेगा वो नारायण व्यक्ति तो कोई उठा नहीं सकता। लेकिन जब भगवान राम आए, जब उन्होंने राम को देखते ही, जब अपने आप उन्होंने ब्रह्म सुख खत्म हो गया, प्रभु राम रूप में डूब गए, वो समझ गए ये कौन है, राम कौन है, ये ब्रह्म नहीं, ये कौन है राम, ये परम ब्रह्म, ये श्री परम ब्रह्म श्री भगवान राम। बोले श्री राम लाला की, बोले यही धनुष को उठा सकता है। उन्होंने प्रसन्न होकर के वाटिका में राम लक्ष्मण को स्थान दिए और उपयुक्त समय देख करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बोले, बोले राम लक्ष्मण जाओ बेटे, जंगल से पुष्प चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। जब वो वाटिका में प्रवेश किया है ना, फूल वो तोड़ नहीं रहे थे, फूल इनको हाथ में अपने आप फूल समर्पित हो रहा था, फूल समर्पित हो रहा था। वाटिका में फूल प्रसन्न हो गए, आज हमारे जीवन धारण करना सार्थकता हो गया, क्यों आज ठाकुर जी स्वयं आए। कहते जीवन का सार्थकता कब है, जब ये जीवन श्री ठाकुर जी की सेवा में लग जाए तभी सार्थकता। इतने में भगवान राम जो खिले हुए फूल को तो तोड़ रहे थे, लेकिन जो अधखिले कलियां थी ना वो सबके सब रो रहे थे। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे, बोले भैया क्यों रो रहे, बोले रोएंगे नहीं कि हंसेंगे, अगर आज हम अगर खिले हुए होते तो प्रभु राम हमें भी स्वीकार करते। लक्ष्मण बोले क्यों, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं प्रभु सेवा में लगाऊंगा। लक्ष्मण जी अधखिले कलियों को तोड़ना शुरू की, तोड़ करके बोले प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है ये निकुंज में अपना हाथों से मैं आपको चोटी को श्रृंगार करूंगा। तो उन्होंने सुंदर सुंदर कलियों से गुच्छा बना करके ठाकुर जी को चोटी को श्रृंगार की। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, खिले हुए फूल कहाँ पर, प्रभु जी के हाथों में, अधखिले कहाँ पर, खिले कली कहाँ पर, ठाकुर जी की चोटी में। मतलब क्या है, लक्ष्मण कौन है, भले गुरु जी, लक्ष्मण गुरु जी। यहाँ शिक्षा देते हैं, भले ही हम अधखिले कली क्यों नहीं हो, अधखिले मतलब भले ही हमारे अंदर में कोई योग्यता नहीं, अगर हम श्री गुरु जी की शरण में अगर चले जाएंगे ना, गुरु जी हमें क्या करेंगे, ठाकुर जी के चरण की सेवा में लगा देंगे हैं। इतने में उसी समय माँ सीता भी गौरी पूजा करने के लिए आई थी। जीवन में पहला बार प्रभु राम कभी भी अपना नजर उठा करके पराई स्त्रियों को कभी नहीं देखे, ठाकुर हर समय नीचे करके चलते थे। जीवन में पहला बार उन्होंने श्री माता जानकी को देखे, माता जानकी भी किसको नहीं देखी, सबसे पहले प्रभु राम को देखे। दोनों को देख करके समझ गए ये मेरी प्रिया, ये मेरी प्रियतम है। जब रामचंद्र अपना घर में आए ना, आकर के लक्ष्मण को कह रहे, लक्ष्मण रघु कुल रीति सता चली आई, प्राण जाए भरो बचन न जाए। हम लोग दशरथ महाराज के संतान है, दशरथ मतलब क्या है, जिनकी 10 दिशाओं में रथ चलती थी। इसलिए हम इनके बच्चे हैं, हम कभी भी दूसरे स्त्रियों को नजर उठा करके नहीं देखा। आज जीवन में पहला बार मैंने ये सीता को देखा, जैसे कोई कंकड़ उठा करके पानी में फेंक दो, पानी में क्या होता है उसमें लहरी आती है, लगता है आज मेरे हृदय रूपी पानी में मानो किसने कंकड़ फेंक दिया। पता नहीं जब से मैंने सीता को देखा है ना, पता नहीं मेरे मन में इसके प्रति इतना प्रेम क्यों जग रहा है, लगता है ये सीता है ना जरूर तेरी भाभी बनने वाली, तेरी ये भाभी जरूर बनने वाली है। अभी दशरथ महाराज का प्रतिज्ञा है, ये धनुष को उठा करके जो प्रत्यक्षा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, कहते वहां रावण भी आया था, वो भी कोशिश किया, बहुत कष्ट से धनुष को नीचे तक हाथ में घुसाया, लेकिन धनुष इतना भोजन था ना उसको हाथ में दब गया तो हाथ नहीं निकल पाया था। फिर किसी तरह से लोग आकर के धनुष को उठाए, फिर हाथ निकाला, समझो रावण जैसे व्यक्ति का हाथ दब गया तो धनुष को दब गया तो निकाल नहीं सका, धनुष कितना बड़ा भोजन है। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग कोशिश कर रहे थे उठाने के लिए, लेकिन टस से मस तक भी नहीं कर पा रहे थे।
जनक महाराज वहां बैठे, उनको बता है जो उठाने वाला था वो चुपचाप बैठा हुआ, और जो नहीं उठा पाएंगे ना वही कोशिश कर रहे। जगत में यही सही होता है, जो नहीं कर सकते वो कोशिश करते करने के लिए, और जो करने वाला चुपचाप बैठा हुआ है। जब किसी ने किसी तरह से उसको टच से मस तक भी नहीं कर पाए, जनक महाराज सोच रहे हैं, बोले भैया झंडा कहाँ रहता है? बोले डंडे के ऊपर झंडा रहता है। कहती है डंडा स्वरूप कौन? बोले लक्ष्मण। बोले झंडा स्वरूप कौन? बोले राम। बोले भैया जब तक राम को नहीं, लक्ष्मण को नहीं उठाओगे ना, तब तक राम उठने वाले नहीं, पहले लक्ष्मण को उठाओ। लेकिन लक्ष्मण को उठाए तो उठाए कैसे? इतने में उन्होंने थोड़ी सी कड़ी कड़क वचन बोल दिए, लगता है ये पृथ्वी तो वीर सुन्न हो गया। इतना जब बोले वहां पर लक्ष्मण, ये लक्ष्मण कौन? बोले अनंत देव। लक्ष्मण कौन है? शेष, अनंत देव से लक्ष्मण। एक अनंत देव जो शेष सांप होता है, एक मणिधर सर्प होता है जिसका सर्प पर मणि रहती है। अगर वो मणि को कोई छेड़ दिया ना, वो सर्प नहीं छोड़ता, उसको खा जाता है। मणि स्वरूप कौन? बोले राम। अनंत देव ये स्वयं अनंत नाग। अगर मणि को कोई छेड़ दिया ना, जनक महाराज बोल दिया ना, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है। जिस धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा टस से मस तक भी नहीं कर पाए। लक्ष्मण को तो इतना क्रोध आया, तम तमाते हुए खड़े हो गए। बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात, पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको बतानी यहाँ कौन बैठा हुआ है? ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक बैठे हुए। हम तो बचपन में ऐसे कितने धनुष को खेलते खेलते इतने धनुष को हमने तोड़ डाले, ये तो सड़ा गला भूसा के धनुष है। ये धनुष की बात किया, ये विश्व ब्रह्मांड को मैं एक कच्चा घड़ा का भांति उठा करके चकना चुरू कर सकता हूँ। भगवान राम बोले लक्ष्मण शांत हो जा, बैठ, यहाँ पर गुरु जी बैठे, पहले गुरु जी को आदेश लेने तो दो। इतने में राम ने बोला लक्ष्मण मेरे को पता तू अनंत देव हो, धनुष को तो उठा सकते हो, लेकिन धनुष को जो उठाया उसको साथ में तो सीता की शादी होगी, अगर तू धनुष उठा दिया तो मेरा क्या होगा बता? बढ़िया चुप है, गुरु जी को तो आदेश लेने दे। अभी गुरु जी की आदेश पा करके बोले राम, जनक महाराज का हृदय में जो ताप है, जाओ ये ताप को तुम दूर करो। अभी गुरु जी को आदेश पा करके माता सीता सामने खड़ी वरमाला लेकर की, और इतने में श्री भगवान धीरे 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 चल रहे थे। जब चल रहे थे ना, माता सीता तो सोच रही थी इतने बड़े धनुष को राम क्या उठा पाएंगे? अगर राम ये धनुष को नहीं उठा पाएंगे फिर मेरी क्या होगा हैं? इसलिए मैया सीता तो बड़ी दुखी हो रही थी। बोले भैया मैया को अंदर में ये शंका क्यों आ गई? कारण है जब राम सवेरे पुष्प चयन करने गए थे, वो पुष्प उनका हाथ में समर्पित हो रहा था, वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन भगवान राम इतने कोमल शरीर, जब इनको हस्तों के ऊपर में पुष्प समर्पित हो रहे थे, उसी समय में भी प्रभु का शरीर से पसीना की टपक बह रहा था, पसीना बह रहा था, इतने कोमल शरीर। इसलिए सीता मैया सोच रही है इतने बड़े बड़े धनुष को कैसे ठाकुर जी उठाएंगे, अगर ये नहीं उठा पाएंगे तो अरे मेरी क्या होएगी। इसलिए मन मन में ये सोच रही थी, और सोच रही थी अगर ये धनुष को नहीं उठा पाए फिर तो मैं प्राण त्याग दे दूंगी। इसलिए माता सीता प्राण छोड़ने जा रही थी, प्रभु सोच रहे हैं का बरसा जब कृषि सुखाई, अरे मैं तो इसलिए धनुष को उठाने जा रहा हूँ सीता के साथ में शादी करना, लेकिन ये पहले से अगर उठ को उठाना से पहले अगर प्राण त्याग दे देगी फिर धनुष उठाने का मतलब क्या रह जाएगा। अभी सीता की भावना समझ करके प्रभु राम जल्दी 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 प्रभु राम चले। इतने में पता नहीं कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गई, और धनुष दो टुकड़े हो गए, और इतने जोर से आवाज हुई जहां परशुराम भी सुन करके वहां पर आ गए। ऐसे आवाज हुई जब उन्होंने धनुष को तोड़ दिए, जनक महाराज इतने प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के बोले सुन है ना, जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। अभी मैया सीता बरमला लेकर के आ रही है, ठाकुर जी को गले में पहनाएगी। उस समय भजन है तो बोला सर अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी
છે ઓ જુગી જઈયો તને કે રગુની લલી મેરી ચોટી છે જુગી જઈયો छोटी सी सिया बारी सी रे 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 सीताजी जय महाराज को जा रही है। आपको पता है माँ जानकी को उस समय कितनी थी, मात्र 6 साल की, और राम जी एक तो उनकी सिंहासन पर खड़े थे, ऊपर मुकुट भी था। माँ जानकी के हाथ नहीं बोल रहे हैं तो सखिया ने वो कहते हैं राम जी झुक जाओ ना, लेकिन राम जी ने कहा आपको झुके भाई, ये आपके यहाँ का अच्छा नहीं है, पहले धनुष पर लाओ फिर बाद में बोलकर स्त्री के सामने झुको भाई, हमको नहीं झुकेंगे। स्त्री निवेदन करती है जनकपुर की नारी, झुकी गई हो तूने तेरा घोड़ी हो अली मेरी छोटी सी, झुकी जाई कब से खड़ी पग धूप निलागे, कब से खड़ी पग धूप निलागे, विजय।
बोलूंगा ना बोलना माला बदला करे। अभी भगवान राम हैं इनकी मन की भावना करके जब तोड़ दिए, इतने में मैया सीता आ रही हैं ठाकुर जी को बलमाला पहनाने के लिए। लेकिन सीता कितने बड़ी, भगवान राम के कंधे तक। फिर प्रभु राम मुकुट पहन रखे, इतने में मैया सीता जब माला पहनाने के लिए जा रही थी लेकिन वो हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। अभी मैया सीता ऐसे हाथ लेकर खड़ी, माला लेकर खड़ी, अभी इतने में उनकी जो सहेलिया थी सीता की, इतने राम की कान में चुपकी सी बोली, बोले थोड़ी सी सर झुका दो ना। बोले क्या, अभी शादी भी नहीं भई, मैं राम भगवान से दशरथ महाराज का बेटा हूं हैं, इसलिए प्राण जाए बरु बचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। हमारी वंश में अभी तो कोई भी किसी के चरण में सर नहीं झुकाया, अभी शादी भी नहीं हुई तो सर झुका तो भैया, हम तो सर किसी के चरण में झुकाने वाले नहीं हैं। राम तो ऐसे एकदम खड़े, मैया सीता माला लेकर खड़ी, अभी क्या किया जाए। इतने में सीता की जो सहेलियां थी ना, इतने में लक्ष्मण जी को बोले, बोले देख लक्ष्मण, तू अगर हमारी एक काम करोगे ना, तेरे भी हम एक काम कर लेंगे। बोले भैया कौन सा काम है? बोले सीता जितनी सुंदरी है ना, इसकी भी एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी कम सुंदर नहीं, तू हमारी काम कर, तेरे काम हम भी कर देंगे। लक्ष्मण को बोलते मुंह में तो पानी आ गया। बोले भैया शादी की बात, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतने में रामचंद्र ने बोले लक्ष्मण देख, तेरे भाभी माला लेकर खड़ी हुई, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी सर झुकाऊंगा नहीं, लेकिन तेरे को कुछ करना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, यद्यपि मैं पृथ्वी स्वरूप हूँ लेकिन पृथ्वी दो टुकड़े नहीं, पृथ्वी एक है। अगर मैं पृथ्वी को ऊंचा करूंगा ना, फिर दोनों ही ऊंचा हो जाएंगे, अगर मैं नीचा करूंगा दोनों नीचे हो जाएंगे हैं, फिर क्या करूं। बोले तुम कुछ कर, तेरे भाभी को देख माला लेकर खड़ी हुई। इतने में प्रभु की उनका हाथ में माला दे दो, इसलिए इनकी भावना समझ करके ना लक्ष्मण ने प्रभु राम को चरण में प्रणाम करने गए। लक्ष्मण क्या की, प्रभु राम के चरण में प्रणाम जब करने के लिए गए, अभी जो प्रणाम करेगा उसको तो उठाना पड़ेगा ना, जब राम उसको उठाने के लिए गए, अभी इनका सर हो गया नीचे, फिर मैया सीता ने किया कि प्रभु राम की गला में माला पहना दिया। सीता पहना हाँ। तुम भी पहना। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की। जब उन्होंने गले में माला पहना दी, जितने आकाश में देवता लोग थे ना, सबके सब पुष्पों की बौछार किए और सबके सब जयकार लगाए, बोले श्री सियावर राम चंद्र की हैं। इतने में अभी दशरथ महाराज के पास में श्री जनक महाराज ने दूत भेज दिए, बोले जा करके बोलो रामचंद्र ने धनुष तोड़े, अभी शादी होगी, बारात लेकर के आओ। दशरथ महाराज सुन करके इतने प्रसन्न हुए। जब बारात लाए ना, बारात में ऐसे बारात जब लाए, जब प्रवेश कर रहे थे जनकपुरी में, देखा जो जनकपुरी के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं, लोटे में पानी लेकर के शौच क्रिया में जा रहे थे, देखो सोने की लोटे जो ब्रूश कर रहे थे सोने की ऐसे, और जब उन्होंने बारात में आए, जानते हो उनको भोजन कैसे दिलाया, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने की बाटी, सोने की और कटोरी और सोने की ग्लास, और एक बार खाओ जैसे डस्टबिन में अब पतले फेंक देते हैं ना, सोने की वहां एक बार खाओ और डस्टबिन में फेंक दो। जितने दस अयोध्या के बराती थे तरस उठे, बोले हे भगवान इतने संपत्ति, सोने की ग्लास, सोने की कटोरी, और एक बार खाओ डस्टबिन में डाल दो। उनकी इच्छा हो रही थी कुछ उठा कर ले जाए, लेकिन हम बराती है रामचंद्र की, हम बदनामी होगी। और घोड़ा हाथियों को क्या काजू किशमिश बादाम खिला रहे थे उनको, और ऐसे उन्होंने व्यवस्था की। बोले भैया इतना संपत्ति कहाँ से आए, बोले वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं, माँ लक्ष्मी सीता, इसलिए उन्होंने आदेश दिया रिद्धि सिद्धियों को, ऐसे अयोध्या वासियों का स्वागत हो, जब तक दुनिया रहेगा सब याद करते रहे जनक महाराज ने क्या स्वागत किए। जब जनक महाराज बारात लेकर के आए, पहले तो वो सोचते थे शायद ये दो ही भाई राम और लक्ष्मण, जब बारात आए ना, देखा ये दो भाई नहीं चार भाई है,
राम लखन भरत शत्रुघ्न। अभी उनकी भी चार बेटी थी, सीता उर्मिला सुतकीर्ति और मांडवी, ये चार लक्ष्मी स्वरूपिणी है, ये चार लक्ष्मी स्वरूपिणी है। अभी जब इनको पता चला भैया इनके चार ही बेटे हैं और एक से एक सुंदर, और इनके जो बेटी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी और एक से एक सुंदरी, बोले भैया हम चाहते हैं। उन्होंने श्री विश्वामित्र दशरथ महाराज को बोले, हम आपके पास में चार ही बेटे, हमारे पास में चार ही बेटी है, अगर आपकी इच्छा हो ना हम चाहते एक साथ में शादी करा दे। अभी जैसे गुजर घर में होता है ना, दो भाई हो तीन भाई हो तीन बेटी हो तो एक साथ में शादी पहले से चलते हुए आ रहा है। भगवान राम ने ये चीज को दिखाया है, क्योंकि फिर घर में शांति सुख रहती है। अगर एक घर में चार बहनें आएंगे तो मिलजुल कर रहेंगे, अगर अलग अलग आएंगे तो फिर लड़ाई होगी। इसलिए ये पहले से रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए अभी भी गुजर घर में इसे शादी करवाते हैं। अभी दशरथ महाराज सोचे, अभी चार बेटे तो बड़े हो ही गए, अब इनके लिए तो दुल्हन ढूंढना पड़ेगा। और जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी, इतने बड़े परिवार इतने समृद्ध कहाँ मिलेगा, बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर दो। उनने एक साथ में चार भाइयों की शादी हो गई है, एक साथ में चार भाइयों की शादी हो गई। शादी हो गई, शादी क्या हो गई, सारे नगर में धूम मची है, धूम मची है, खुशी मनी है, आज दूल्हा बनी श्री राम, यह जोड़ी का जब हो गई, लोग तो पी पी करके मेन रोड में पागल हो रखे नाचते हैं, और यहाँ पर साक्षात भगवान राम की शादी, लेकिन यहाँ सब सब चुपचाप बैठे, आनंद नहीं आ रही, जिसको आनंद आ रहे हैं खड़े हो जाओ, तो जिसको आनंद आता है खड़े हो जाओ, सब जिसको आनंद आ रहे हैं एक बार टांग सीधा कर दो सबके सब। हाँ I'm gonna make you mine.
पवन सुत हनुमान की, बोले श्री राम लाला की जय। बैठ जाओ, समझे से बैठ जाओ। हरे कृष्ण, सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा। ताकत लगा करके यहाँ पर बराती छह में, यहाँ पर जब शादी हो गई, चार भाइयों को साथ में चार बहन की शादी हो गई, पहले नियम था, क्या नियम था, शादी से पहले कोई किसको नहीं देखते थे, हैं? शादी को चार दिन को बाद में फिर इनकी मिलन होती थी। जब शादी हो गई, एक दिन इनकी जो सहेलियां थी ना, सखियां थी, सालियां थी, चार बहुओं को बड़ी सुंदर श्रृंगार करके चार भाइयों को सामने ले आए, बोले देखो चार भाइयों, तुम चार भाई हो और तुम्हारी ये चार बहुएं हैं, अपना अपना बहुओं को छांट लो। राम को सावधान कर दिया, अब देख राम, ए बात मत करो, इसलिए बोले देख राम, छोटे भाई की जो पत्नी ये बेटी की बराबर है, अगर तू अपना बहू को बहू नहीं बोल करके छोटी की भाई की अगर बहू को बोल दिया ना, बेटी को बहू बनाना, इसलिए सावधान। तीनों भाइयों को सावधान कर दिया, देखो बड़े भाई का बहू अपना माँ की बराबर है, अगर तुमने अपना बहू को बहू नहीं बोल करके बड़े भाई की बहू को अगर बहू बोल दिया, माँ को पत्नी बनाना, कितना पाप, इसलिए अभी चार भाई चार ही बहुएं छांट लो। अभी तो उन्होंने घूंघट निकाल करके लाए, अभी तो कोई अपना बहू को कभी देखा ही नहीं है, ये पहला बार चार दिन बाद में लेकर के आए। राम तो डर गए, शरीर तो पसीना पसीना बह रहा है, बोले पता कैसे चलेगा भैया सीता कौन है। अभी रामचंद्र बहुत सोच सोच करके, उन्होंने देख देख करके बोले भैया ये मेरी बहू है, एकदम सही सीता को उन्होंने चुन लिया। भरत जी को बोले भैया तुम बताओ तुम्हारी बहू कौन, उन्होंने बहुत सोच सोच करके बोले भैया ये मेरी बहू है। लक्ष्मण को बोले भैया तेरी बहू कौन है, वो भी सोच सोच कर बोले ये मेरी बहू है। शत्रुघ्न को बोले भैया तेरी बहू कौन है, वो सही सही चार ही बहुओं ने एकदम सही सही छांट लिए, जितने उनकी सालियां थी ना, वो तो अक्के बक्के चके हो गए, बोले भैया अभी तक तो कोई किसी की बहू को देखे नहीं, सही सही कैसे बोले। बोले राम ये बताओ तुमको कैसे पता चला ये तेरी बहू है, बोले देखो मैंने सीता को दो बार देखा है, जब वाटिका में पुष्प चयन करने गया था तब भी देखा, जब सीता मेरे गले में माला डाल रही थी तभी मैंने देखा है, दो बार सीता को देखा, इसलिए मैं अपना सीता को मैंने छांट लिया। भरत जी को बोले भैया तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू, बोले देखो मैं कोई भी काम करता हूँ प्रभु राम के चरणों को स्मरण करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए मैं पहचान गया मेरी बहू कौन। इतने में लक्ष्मण को श्री शत्रुघ्न को बोले बताओ तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू, बोले देखो मैं चार भाइयों में मैं सबसे छोटा, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना ये मेरी बहू होगी, इसलिए जो सबसे छोटी थी बोले मेरी ये बहू, बोले ये बात, बोले हाँ। लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू, बोले सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो रह गई मेरी बहू है, वह सब लोग बड़े हंसी दिले किए, इसलिए छह महीना तक बारात वहां पर रही। उसको बाद में ये बारात कहाँ पर गई, आई अयोध्या में, और जिस समय कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता जी की हैं, मुंह दिखाई में हर माताएं चाहती है ना मेरे बेटे जैसे सुंदर बहू भी ऐसे सुंदर होनी चाहिए, इसलिए जब उन्होंने कौशल्या तो पहले देखी, कैकेयी जब देखी, जब सीता जी की घूंघट को उन्होंने निकाली, ऐसे लग रहा था मानो दीन में कोई चंद्रमा प्रकट हो गई, इतने सुंदर सीता मैया थी, देख करके तो कौशल्या कैकेयी प्रेम में गदगद हो गई, और कैकेयी तो मुंह दिखाए में कनक भवन को दे दिया, उन्होंने अपना कनक भवन ही दे दिया, हैं? इसलिए चार, हाँ, तीनों माताओं ने
चार ही बहनों को देख कर खुश हो गए। बोले भैया बेटे जितने सुंदर बहू भी कर्ण सुंदरी नहीं, सबके सब प्रसन्न हो गए। इतने में जिस समय एक दिन दशरथ महाराज ने शीशा में जब अपना चेहरा को देख रहे थे, उन्होंने देखा उनके एक दाढ़ी पका हुआ है, दाढ़ी एक पका हुआ। दशरथ महाराज समझ गए एक दाढ़ी पक गया मतलब क्या है, ऊपर से वार्निंग बेल पड़ गई, समय और नहीं है। जिस काम के लिए तुम आए थे, किसके लिए काम के लिए आए, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे तो पास, भजन के लिए तो आए थे लेकिन भजन तो किया नहीं, उल्टा काम में लग पड़े, वो शिक्षा दे रहे दुनिया को। इसलिए उन राम को बुलाए और मेरे को संसार में नहीं रहनी चाहिए, संसार में रह करके भजन करना बड़ा कठिन है। नाती पोती हम लोग को सोचते हैं क्या जानते हो, अगर बेटा का शादी हो जाए ना बस निश्चिंत है, फिर तक खूब भजन करूंगा। अब देखना बेटा जब तक शादी नहीं हुआ ना, जब तक तुम चैन हो तब तक तुम भजन कर सकते, शादी हो गई ना बहू आ गई, फिर नाती पोती हो गई ना, बोले डोकरी घूमती रहती है इधर उधर, बच्चे को नहीं देखती है, हैं डोकरी दिन भर इधर उधर भागती रहती है। देखना जितने उम्र जाती रहेगी ना उतना बंधन। अब ये मत समझो जब सारे काम को निपटा देंगे तब भजन करेंगे, खुद निपट जाओगे, कभी संसार का काम नहीं निपटेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थिताम, जिस अवस्था में तुम हो उसी अवस्था में प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। जितने बुढ़ापा आप देखो, साधारण बच्चों का संसार में आसक्ति कम है, जितने बड़े बूढ़ों को देखे ना, जितनी उम्र होती जाएगी उतना नाती पोती बेटा बेटी में उतनी ज्यादा आसक्ति है, उतना आसक्ति है। पहले मैंने कथा सुनाई थी पहले ना, कैसे ये कैलाश को जब नारद जी बोले भजन करोगे, बोले हाँ, बोले कब करोगे, बोले बेटा का शादी हो जाए, बेटा का जब शादी हो गई बोले चलो, बोले नहीं बहू अभी गर्भवती, थोड़ा नाती पोती को देख करके फिर मैं भजन करूंगा। हाँ करके देखा कैलाश शरीर छोड़ दिया, कैलाश ने शरीर छोड़ा हुआ मर गया। देखा भैया गया कहाँ, देखा उसी घर में कुत्ता बन कर आया, वो घर में कुत्ता बन करके आया, दिन भर घर को पहरा दर देता है। नारद जी ने कहा बोला कैलाश अभी तू कुत्ते बन गए, अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी क्या बताऊं, ये जितने दुकान मकान मैंने बनाया, और ये रात को सो जाता है, ये रात को सो जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता कौन क्या उठा कर ले जाएगा, इसलिए रात भर में भोग भोग करते करते मैं पहरा दे देता हूँ। बोले कब भजन करोगे, बोले बच्चा थोड़ा होनार हो जाए। फिर कुछ दिन बाद में आया, कुत्ता भी मर गया था, घर में बैल बन गया और बेटा उसको खेती करा रहे, डंडा मार मार कर उसको खेती करवा रहे। बोले क्यों कैलाश अभी तो भजन कर। बोले गुरु जी ये जितने ये जमीनी जगह है ना मैंने कमाया था, ये बच्चा इतना नाला है कि छोड़ देता है, खेती बेती करता नहीं, उसको जोर जबरदस्ती लेकर मेरे खेती करवाना पड़ता है। बोले हे भगवान, बोले बताओ कब भजन करोगे। बोले बच्चा थोड़ी सी समझदार बन जाए, जब फिर आता है बैल मर जाता है। बोले भैया गया कहाँ, ये घर छोड़कर नहीं गया, क्यों आसक्ति है ना। भगवान कहते हैं मरते समय जैसे सोच सोच करके जाओगे वैसे तुम्हारी जन्म होगी। देखा घर में सांप बना, पहले समय में आपको पता होगा कलसी में सोना चांदी रख करके मिट्टी को नीचे गाड़ देते थे चोरी नहीं हो जाए, वो कहाँ गाड़ा था उसको याद, उसको ऊपर में काला सर्प बनकर बैठा हुआ, किसी को फटकने नहीं देता है। नारद जी ने देखा भैया उसको पीछे मैंने तीन जन्म तक घूम गया अभी तक भी सही नहीं हो रहे, बोले जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा। उसको बेटे को बोले देख बेटा तेरे पिताजी एक कलसी में सोना चांदी गाड़ कर गया है लेकिन उसको ऊपर एक काला सर्प बैठा हुआ है, डंडा लेकर गया लेकिन मारना नहीं केवल कमर तोड़ देना। बेटा तो खुश हो गया, मेरे पिता पैसा रख कर गए मेरे को पता ही नहीं, आया अपना पिताजी को मारा डंडे से, मारा ऐसे पिताजी को कमर तोड़ दिए। देखना सांप की कमर टूट जाए ना भाग नहीं सकते हैं, बोले फेंको खोदो, तो खोदा सच मुंह से कलश निकला और वो जो सांप था ना आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था, इतने दिन की कमाई ले जा रहा है बेटा हाँ? इतना दिन की कमाई जब बेटा ले गया, बोले क्यों कैलाश देखा तेरे पीछे मैंने पहले तो कुत्ते बन करके आया, फिर बैल बन करके, फिर सर्प बन करके आया, अब तेरा बेटा ही तेरा कमर तोड़ दिया, भजन करोगे। बोले गुरु जी अभी भजन करूंगा, अभी भजन करूंगा, इसको पीछे तीन जन्म दे दिया और अपना बेटा ही कमर तोड़ दिया हैं। अभी नारद जी फिर उसको कृपा की, दूसरे जीवन में इंसान बने, फिर उनको मंत्र प्रदान की, फिर उसको वैकुंठ लेकर गए ठाकुर जी।
आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती, आप देखना जितने बड़े बूढ़ियों को ज्यादा आसक्ति है, बच्चों का इतना आसक्ति नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जितने संसार घर गृहस्थी करोगे उतना तुम्हारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। एक एक सुई धागा में भी आसक्ति रहती है, एक सुई धागा में भी आसक्ति। इसलिए प्रहलाद कहते हैं भैया भजन कब करो, 5 साल उम्र से भजन करो, बुढ़ापा में मना कर देते हैं, बुढ़ापा में भजन नहीं होता, क्योंकि रील में जो भरेगा वही निकलेगा ना। रील में तो जिंदगी भर कीचड़ कीचड़ ही भरते रहे, जिस रील में कीचड़ भर दिया बोलोगे शेष समय भजन करोगे? अब देखो ठाकुर के सामने 10 मिनट बैठो भजन करने के लिए, देखना 1 मिनट भी भजन में नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्यों? जिंदगी में जो भरा हुआ वही निकलेगा, नाती पोती बेटा बेटी वही है। इसलिए प्रहलाद कहते भैया 5 साल से भजन करो। आप बोलोगे अरे बेकार बात, कुत्ते बैल सांप कौन बनता बेटा, आपको मैं कल दिखाऊंगा। देखो मैं गया था कहीं कथा करने के लिए झाड़ग्राम में, जब मैंने इसे कथा सुनाया ना, एक व्यक्ति एक न्यूज पेपर लाए, बोले बाबा आप जो बोल रहे थे सही। मैंने कहा भैया क्या है? बोले देखो इसको मैं कल आपको दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। बोले एक व्यक्ति की भित्ति खनन हो रही थी, घर बनाएगा, जब फावड़ा से मिट्टी काट रहे थे, इतने में झन करके आवाज हुई। बोले आवाज कहां सुनी? देखा दो वहां पर पीतल का पात्र है जिसमें सोने चांदी की मोहर है, देखा दो जहरीले सर्प इसको ऊपर लपेट करके बैठे हुए, किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे। इतने में पुलिस में खबर हो गई, दो कलसे निकला जिसमें सोने चांदी की मोहर है और दो जहरीले सर्प उसको छोड़ नहीं रहे। तो उनने जो सर्पों को पकड़ते हैं वो व्यक्ति को बुलाए और दो सर्पों को बोरी में डाले और 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आ गए। देखा आधा घंटा में 2 सर्प फिर वहीं पर घूम रहे, क्योंकि उन्होंने वो जो पैसा रख करके गए थे ना, उनको पता था मैंने पैसा रखा, और जिसको पैसा प्रति आसक्ति है अगले जीवन में वो सर्प बन करके आते हैं, ये शास्त्र कहता है। कल आपको पेपर दिखाऊंगा, पूरा डिटेल से लिखा हुआ, कौन सा गांव कहां पर क्या क्या है सब डिटेल से लिखा हुआ। भैया संसार में आसक्ति करोगे तो बारंबार कुत्ते बैल बनकर के आना पड़ेगा, इसलिए आसक्ति करो। तो श्री ठाकुर जी आसक्ति कर रहा। और एक चीज को समझो, आप लोग बोलोगे भैया हम तो घर गृहस्थी, ये चीज को अच्छे से समझ लो, हम तो घर गृहस्थी, हम तो साधु संन्यासी नहीं, सब छोड़ छाड़ चले जाएंगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन संसार छोड़ने का जरूरत नहीं, संसार का परिवर्तन कर दो। जत करो से जत स्नासी, जत गीता का श्लोक, जत दोहसि ददासि जत, जत तपस्वी कौंतेय तत्कुरु समर्पण। भगवान स्वयं कहते हैं अपना घर का परिवेश बनाओ, क्या परिवेश? भगवान के धाम बन जाएगा। घर में सबके सब भजन करे, हरि नाम करे सबके सब, सबकी गले में कंठी हो, तिलक हो, सबके सब माला जप करे। जिस घर में ठाकुर का भजन पूजा होता है क्या, तो घर नहीं वही वृंदावन धाम, वही श्री वृंदावन धाम। अगर केवल घर में कमा रहे हो खा रहे हो, भगवान भजन भजन से कोई मतलब नहीं, दिन भर टीवी देख रहे हो कोई भक्ति से, फिर तो सांप कुत्ते बनकर फिर आओगे। क्यों? कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंती अंते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भव भावित। कृष्ण खुद कह रहे हैं हे अर्जुन संपूर्ण रूप में मेरे चरण में तुम मन लगा दो, मरते समय जैसे मरोगे वैसे आओगे। देखो जैसे आप देखे होंगे मरते समय जैसे बिस्तर में पड़े हुए होते हैं, सारे बच्चे चारों तरफ में घिरे हुए होते हैं, बोले पिताजी मेरे को पहचानते हो, मैं आपकी बड़ी बेटी हूं। वो तो मरने वाला होता है, आंख खोलता है धीरे धीरे, दामाद कहता है पिताजी मेरे को पहचान रहे कि नहीं आपका मैं छोटा दामाद, आंख खोलता है, चारों तरफ में नाती पोती घिरे हुए होते हैं, उनको देख देख करके अंतिम समय में छड़ी छोड़ता है, बता क्या जन्म होगा, फिर तो संसार में आएगी ना, उल्टा पुल्टा जन्म। हाँ देखो ये चीज समझो, अगर तुम्हारी बेटा बेटी नाती पोती भजन कर रहे हैं, सबकी गले में तुलसी कंठी तिलक लगाते हैं, सबके सब माला जप कर रहे हैं, हरिनाम करते हैं, ये सब संत है, घर में होते हैं संत। अगर चारों तरफ में घिरे हुए वो व्यक्ति घिरा हुआ अंतिम में अपना बेटा बेटी नाती पोती को शरीर प्राण त्याग करेगा ना, सीधा वैकुंठ जाएगा। क्यों? सबके सब गले में कंठी माला तिलक है, ये भजन कर रहे हैं। अगर इनको सोच सोच कर जाएगा तो वैकुंठ जाएगा। अगर प्रभु का भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, खाओ पियो और मर जाओ, फिर तो कुत्ते सुअर होकर घूमते रहोगे, ठीक है ना। अपना घर का परिवेश बदलाओ, सभी की गले में तुलसी की माला हो,
तिलक हो, सबके सब ठाकुर जी की भजन करो, माला करो, ठीक है। देखो जो परिवार जो कथा करा रहे हैं, कहाँ गई माता जी, एक ही नहीं अंदर में। देखो इनकी, देखना इनके सारे बच्चे को गले में तुलसी कंठी, देखो हरिनाम कर, सारे बच्चे इनके छोटे छोटे हरिनाम करते हैं, उसको माता भी हरिनाम करती है, भजन करती है, सब भक्ति करते हैं, सारे बच्चों को पाल रहे हैं, ऐसे नहीं घर काम नहीं कर रहे, सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुके उस संतों को साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मेन चीज है किसको साथ में तुम जुड़े हो, ये मेन चीज है। कहते ना संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, मूल है किसकी संगत तू कर रहे हो। अगर दुनियादारी बात व्यक्ति को साथ में बैठोगे ना, माताओं को साथ में क्या करेंगे, तेरी बेटी क्या कर रही थी, मैंने छोड़ा इसका छोरी क्या कर रही थी, उसको घर में ये हो रहा है, क्यों, तो जिसको साथ में बैठे रहे हो गंदे आदमी है, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें दुनिया की बात तो सुनाएंगे, लेकिन अगर जैसे हमारे विशाखा दीदी यहाँ है, कहाँ गई, अगर इसको पास में बैठोगे बोले कितने माला किए हो, आज तुमने गीता पढ़ी हो, आज कोई किसकी चुगली तो नहीं की तुमने, किसकी बुराई तो तुमने नहीं की है, हैं? तुमने कितने भजन की, कितने भजन की, ये सब बात ही सुनाएंगे। मैन है संग है, जैसे संग करोगे ना वैसे रंग बदलेगी, इसलिए संतन की संग लागी ने तेरी अच्छी बनेगी। देखो विशाखा दीदी के संग में सब के सब तिलक कंठी माला धारण की, अगर आप भी संग करोगे ना देखना तुम्हारे बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे, गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, लड़कीबाजी नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं फूकेंगे, सवेरे उठ करके तुम्हारी चरण छुएंगे, हरि नाम करेंगे, बस तुम्हारी घर ही भगवान का धाम, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं, भैया जब मैं मैया की गोद में बैठी करके दूध पीता हूँ, मैया मेरे को मक्खन खिलाती हैं, ब्रज का जितने गोपियां हैं इनकी मन में भी इच्छा होता है, भैया कृष्ण क्या कभी हमारे घर में आएंगे, कभी हमारे घर में भी मक्खन चुराएंगे। कि गोपियां जब मक्खन बनाती क्या बोलती हैं, बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया चाल, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल चाचे आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया चाल, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया चाल, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल दर्शन की प्यासी कोरी कोरी मटकी में भोली भाली गई, 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 दर्शन के प्यासी गुजरिया चाल, आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल दर्शन के प्यासी गुजरिया चाल। गोपियों की भावना को समझते हुए प्रभु घर घर में मक्खन ठाकुर चोरी करते हैं, घर में चोरी कर रहे थे, रोज रोज मैया को पास में शिकायत करती है गोपियां, बोले भैया शिकायत फिर क्यों करती है, बोले कृष्ण जब जाते हैं एक बार तो कृष्ण दर्शन हो गया, लेकिन कृष्ण जब चले आते ना फिर व्याकुल हो जाते हैं, फिर कब कृष्ण दर्शन मिलेगा, कब कृष्ण दर्शन मिलेगा, जैसे कृष्ण इधर मैया इधर, शिकायत करेंगे तो मैया को ना, लेकिन कृष्ण को देख कर शिकायत करते, बोले क्यों, बोलो शिकायत करने नहीं वो कृष्ण को दर्शन कर ले आए, कृष्ण को दर्शन करने के लिए आई है। एक दिन गोपियां सोच रही हैं, भैया कृष्ण को तो हम किसी तरह से पकड़ नहीं पाते, किसी तरह से पकड़ नहीं पाते, अब इनको पकड़ने कैसे आए, बोले एक काम करो छीके के ऊपर में एक बेल लटका दो, हाँ घंटी लटका दो, जब चोरी करने आएंगे फिर तो अपनी आप ठन ठन आवाज होगी, फिर हम कृष्ण को पकड़ लेंगे। जब कृष्ण आए देखा छीके के ऊपर में एक बेल लटक रहा है, बोले भैया ये क्या है, वो समझ गए मेरे को तो पकड़ने के लिए
यहाँ पर उन्होंने फांद रचाई। कृष्ण ने कहा बेल ये बताओ तुम कौन हो, बोले प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। बोले मैं कौन हूँ, बोले आप मेरे प्रभु हो। बोले ये बताओ प्रभु का प्रति सेवक का क्या कर्तव्य है, बोले आदेश पालन करना। बोले देख जब तक मैं मक्खन खाऊंगा ना तब तक बजना नहीं, जब मैं मक्खन खा करके चले जाऊं फिर तो बज उठना। बोले ठीक है प्रभु जी। जब उन्होंने मक्खन की मटकी को उतार कर खाना शुरू किया इतने में घंटी तो अपनी आप बज गई। बोले भैया तुम क्यों बज रहे हो, बोले ठाकुर आपको पता नहीं जब घंटी नहीं बजती ना तो आपको भोग नहीं लगता है। हाँ आपको भोग नहीं लगता है। कृष्ण तो 9, 2, 11 वहां से हो गए। एक गोपी रोज रोज बोले, मैया बोले देखो मेरे घर में क्या कमी है, इतने दूध दही 9 लाख जिनके घर में गैया है वहां पर तो नदी नदी बहती है वहां पर दूध की। एक दिन मैया नंद बाबा को बोले लगता है मेरे लाला कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है, कल एक दूध की मैं तालाब बना दूंगा। कृष्ण खूब तैर तैर खूब दूध पिए। दूसरे दिन उन्होंने तालाब बना दिया, इतने छांछ होती थी नंदगांव में कि कुंड है जिसका नाम है छांछ कुंड, कोई पीने वाले नहीं होते थे, उसको उड़ा उसमें फेंक देते उसमें, इतने 9 लाख गैया जिसके घर में हो है। बोले भैया मेरे को तो विश्वास नहीं होता है, रंगे हाथों से पकड़वा दो फिर तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं मानने वाले नहीं। बोले ठीक है तुम्हें पकड़वा देंगे। इतने में गोपी ने एक मटकी में मक्खन धर दी और एकदम दरवाजा कोने चुपचाप बैठी हुई, आज कृष्ण को तो जरूर मैं पकड़ूंगी। जब कृष्ण आकर के मक्खन खाए ना गोपी तो बड़ी खुश हो गई, आज मक्खन बनाना सार्थक हो गया। जब मक्खन खा ली फिर झट जाकर पकड़ लिए। बोले कहाँ जाओगे, चलो मैया के पास में ले चलती हूँ। बोले देख गोपी मैं तो सोच रही थी अपना घर में ही मक्खन चोरी कर रहा। बोले अपना घर में अभी मजा चखाते हो, चलो मैया के पास में। बोले तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे सांस की, तेरे ननंद की, तेरे बिछुआ की, तेरे खसम की पाँव पड़ता हूँ, आज छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगी नहीं, मैया मानती नहीं तुम मक्खन खाते हो, चलो। अभी कृष्ण का हाथ पकड़ करके ले चले। जब ले चले ना दरवाजा को सामने देखा नंद बाबा बैठे, नंद बाबा जेठ लगते हैं, जेठ को सामने से पर्दा करते थे, उनने जेठ को देख करके पर्दा खींच ली। बोले स्त्री स्त्रियों की बात है इनको बोलकर क्या लाभ, कृष्ण के ऊपर में कपड़ा ढक दिया। कृष्ण कौन, ईश्वर, ईश्वर कौन, बोले है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते। जब कपड़ा ढक दिया ना कृष्ण उनका बेटा ही बन गए, ठाकुर जी बन गए बेटे, और जाकर घर में चुपचाप ठाकुर सो गए। जब सो गए पीछे दरवाजा से आई, बोले मैया यशोदे। बोले कहा बात है, बोले तू मानती नहीं तेरे लाला घर घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों से मैं पकड़ करके लाए हूं। लेकिन मैया कन्या को थप थप लगा के सुला दी थी। बोले भैया लाला तो घर में सो रहा है, किसको पकड़ करके लाई। अंदर से निकली देखा अपना बेटे को लाए। बोले क्या बात है, बोले तू मानती नहीं ना तेरे बच्चे को रंगे हाथ से पकड़ करके लाए। बोले लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिए हो, अरे मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तू तो अपना बेटे को पकड़ करके लाई। बोले बेटे को कैसे, कपड़ा खोल कर देखा उसको बेटा। और इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, आंख को मलते मलते ठाकुर जी आए। बोले मैया तुमने देख ली कितने झूठ बोलती है, मैं घर से कहीं बाहर जाता हूँ नहीं, अगर ऐसे ऐसे झूठ बोलेगी ना मैं तो फिर सचमुच से जाया करूंगा। वो गोपी तो अक्के बक्के चक्के हो गई। बोले भगवान दरवाजा तक कृष्ण था, कपड़ा ढकते ही बदल गया कैसे। बड़ी दुखी होकर के शर्मिंदा होकर जब जा रही थी ना कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने तेरे पाँव पड़ी, सास ननंद तेरी खसम की, लेकिन देखा तुमने मेरे को छोड़ी नहीं ना, कभी भविष्य में मेरे को पकड़ करके लाओगे ना तेरे खसम को चोर बना दूंगा। बोले कन्हैया मैं हार गया हूँ तो जीत गए हो। ऐसे ही कृष्ण घर घर में प्रभु मक्खन चोरी करते थे। एक दिन मैया ने बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले मैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बेटा बताओ कैसे शादी होगी, पूरा घर घर में ब्रज में कहते तो क्या मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को अपना कोई बेटी देगा क्या, लगता है तो कुंवारा से कुंवार रह जाओगे, तेरी शादी वादी कुछ नहीं होगी तेरी है। इतने में कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गई, मैया कहते शादी नहीं होगी। कृष्ण सोचे मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना मैया का विश्वास हो जाए मैं मक्खन नहीं चोरी करता। देखो उन्होंने कृष्ण क्या गजब की, उन्होंने मैया को क्या एग्जाम्पल देती है। ये सूरदास का भजन है, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी
अब इस भजन से आप जानते हो, देखो कृष्ण क्या बोलते हैं, बोले मैया ये बताओ मैंने कब माखन खायो, बोले भोर भयो गई अन्न को पाचे मधुबन मोय पठाए, बोले हाँ, बोले चार प्रहर बंसी बट भट्ट को सांझ बड़े घरे आयो, दिन भर गैया चराया शाम का आया रात भर कर गोद में सोया था कि नहीं, बोले हाँ लाला, बोले बताओ फिर मैं मखन कब चोरी की, बोले मैं बालक बहियन को छोटो ताई बीती के मक्खन तो छिके के ऊपर रखते ना, बोले हाँ, बोले मैं इतना छोटो सा बालक बताओ इतने ऊपर में मेरे हाथ कैसे गया, बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है, बोले मैया क्या बताऊं सखा लोग तो मक्खन चोरी करते हैं लेकिन ये मेरे मुंह में जोर करके मक्खन लगा देते हैं और मेरे को चोर बना देते, और तू बड़ी भोली वाली जल्दी इनकी बात नहीं तू आ जाती मेरे बात नहीं मानती हो, लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म दे करके शायद कहीं फेंक करके गया था, तुमने वहां से उठा करके लाई और मेरे को तुमने लालन पालन की, अगर मैं तेरे लाला होता है ना तो कभी भी मेरे को मक्खन चोर नहीं बोलती। इतना बोलते ही मैया का हृदय तो एकदम पानी पानी हो गया, फिर मैया ने कन्हैया को गोद में भर लेती हैं, बोले मैया कहते लाला तेने मक्खन नहीं खाई, फिर कृष्ण बदला देते हैं क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही माखन खायो चोर भगवान की, जोर से बोलो, चोर का कोई जयकार करता है लेकिन आप लोग चोर का जयकार कर रहे हो, लेकिन ये साधारण चोर नहीं है, इसलिए श्री श्री बल्लभाचार्य जो हुए उन्होंने एक अष्टक लिखा, पूरा अष्टक चोर चोर में, कहते ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम, हैं वो कहते हैं वो सबसे बड़े चोर, उनसे बड़ा चोर कुछ है नहीं, कोई नहीं, क्या करते हैं, बोले पाप को चोरी करते हैं, ताप को चोरी करते हैं, दुख को चोरी करते हैं, हृदय को चोरी करते हैं, हैं सबको जो चोरी करने वाले कौन है, श्री मक्खन चोर श्री भगवान। देखो ठाकुर जी मक्खन चोरी क्यों करते थे, ये मक्खन चोरी का तात्पर्य क्या है, संतों ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। अब लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन बनाते हो हाथ उठाओ, तो कौन कौन जीवन में मक्खन बनाए, सब बनाते हो। देखो ये मक्खन चोरी का तात्पर्य समझ लो, इसका नाम होता है मक्खन, मक्खन मतलब क्या, मख मतलब होता है क्रोध, नह मतलब नहीं, भगवान किस चीज को चोरी करते हैं, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं, भगवान वही चीज को चोरी करते हैं, हैं? बोले भैया ये चीज किसको हृदय में नहीं, बोले संतों का हृदय में, बोले सबसे बड़े संत कौन है, बोले ब्रज की गोपियां हैं, ये जितने बड़े संत है इनसे बड़े कोई संत नहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले संत हृदय न बनी ता समाना,
संतों का हृदय ही मक्खन, लेकिन उदाहरण तो दिया, लेकिन कहा कभी नहीं पूरा कहीं नहीं जाना। क्यों कहते मक्खन कब द्रवीभूत होता है? जब उसको गर्मी लगे। लेकिन संतों का हृदय तो पर दुख है द्रवी, जब दूसरों को दुख देखते हैं ना, संतों का हृदय पिघल जाती। प्लस संतों का जो हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। हाँ देखो, ये मक्खन चोरी का मतलब क्या, ठाकुर क्यों मक्खन चोरी करते थे? हम लोग मक्खन बनाए, पहले दूध लाओ, दूध को गर्म करो। गर्म करना मतलब क्या, जब किसके हृदय में भगवत प्राप्ति को उत्कंठा जगे, भगवान कैसे मिले, ठाकुर कैसे मिले, यही हृदय की ताप है। ध्रुव जी को प्रभु कब दर्शन दिया? जब व्याकुल हो गए, प्रभु की प्रेम में व्याकुल हो गए, तब जाकर कहीं ठाकुर के दर्शन दिया। लेकिन ठाकुर दर्शन देने से पहले नारद जी को भेजा, बोले जाओ पहले उसको मंत्र दे करके आओ, क्योंकि कितना बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई जो बिरिंची शंकर सम होई। अगर जीवन में कोई सदगुरु ग्रहण नहीं करे, भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इसको बाद में जैसे दूध गर्म हो, जमन डालो। जमन क्या है? बोले जमन उसे कहते हैं जब किसी सदगुरु से जो हम मंत्र ग्रहण करते, यही जमन। जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे राधा है, कि जो मंत्र ग्रहण करते हैं यही जमन। इसलिए जब जमन डाल दिए, अभी दही जम गया, दही अभी जम गई। देखो दही जमेगी कैसे? बोले जब तक हम सदगुरु से मंत्र ग्रहण नहीं करते ना, तब तक दही जमने वाले नहीं है। इसलिए सदगुरु से मंत्र लेनी चाहिए। लेकिन कहते ना, गुरु कर ज्ञान के पानी पियो छान की। इसलिए देख सुन करके गुरु ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके हमने किसको गुरु बना लिया? पहले देखो समझो। कहते गुरु जी के अंदर में तीन गुण होनी चाहिए। पहले पहला गुण है सारे शास्त्र को जो जानते हैं, नहीं तो हमारी शंका दूर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है, ऐसे नहीं केवल उपदेश देते हैं, अपना जीवन में कोई आचरण नहीं। आचरणशील होनी चाहिए। शास्त्र की तात्पर्य जिज्ञासा आचरण। जो तीसरा जो चीज है भजन परायण, तीसरा चीज है ये एक माया की संसार से ऊपर उठनी चाहिए। अगर हम जैसे दुनियादारी माया में हम पड़े हुए, गुरु जी भी अगर उसी माया मोह में पड़े हुए, अरे भैया हमें कैसे उद्धार करेंगे। इसलिए हमें सदगुरु को ग्रहण करनी चाहिए, उनसे भगवान की। जो हम नाम ग्रहण करते हैं यही जमन है। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में हरि कथा बोल रहे थे। बोले देखो, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं ना, वो भव सागर से पार हो जाते हैं। लेकिन उसके घर में पिंजरा में एक तोता था। बोले बाबा, ये जो झूठ मूठ बात क्यों कहते हो? बोले झूठ क्या है, इस तो सही है। बोले क्या सही, तू मेरे को देख ले, ये छोटी से पिंजरा में रहता हूँ, जो आते हैं सबको मैं राम राम राधे राधे बोलता हूँ, अभी तक ये छोटे पिंजरा से ही मेरे को मुक्ति नहीं मिली, और तू तो वही बहुत बड़ी बात कहते हो, भव सागर से पार हो जाओगे। अभी तो चुप हो गया। बोले बात तो सही है। वो घर में आया, गुरु जी को ये बात बताए। गुरु जी बोले ठीक है बेटा, चलो तेरे साथ में मैं कल भी चलूंगा। बोले जा तुम कथा करो। फिर दूसरे दिन भी यही कथा की, जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करते हैं भव सागर से पार हो जाते। फिर तोता बोल पड़ा, बोले ए बाबा, फिर कुछ झूठ मूठ का बात कहते हो? इतने में गुरुजी वहां पर खड़े थे। बोले झूठ क्या, तो सही है। बोले आप मेरे को ही देख लो, छोटी सी पिंजरा से मेरे को उधार नहीं हो रही है, सबको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। गुरु जी ने कहा देख बेटा, तुमने जो नाम कर रहे हो ना, किसी सदगुरु से तुमने नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे को उधार नहीं हो रही है। बोले फिर ठीक है, आप मेरे कान में मंत्र दे दियो। फिर गुरु जी उसको कान में ठाकुर का नाम दे दिया। गुरु जी ने उसको एक मार्ग बताया। बोले देख बेटा,
जब तक तू ऐसे जिंदा रह करके राम राम राधे राधे बोलोगे ना मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बताओ गुरु जी, बोले जब आज ये कथा की विश्राम होगी तुम एक नाटक करना, तुम प्राण त्याग दे देना, फिर जब तुमको निकाल करके अर्थी में सजा कर ले जाएंगे ना, फिर फर करके उड़ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिए। जब ये कथा विश्राम हो गई इतने में तोता ने नाटक की मरने का। बोले भैया धन्य ही ये तोता, कथा सुनते सुनते जीवन त्याग दी, चलो इसको अर्थी सजाते हैं, अर्थी में ले जाएंगे। अर्थी सजाया और उसमें अर्थी में उसको लेटा करके गले में फूल की माला डाले और जब राम नाम सत्य करते करते ले जाते थे ना, इतने में झट करके वो तोता ने फर कर उड़ गया। जब उड़ गया गुरु जी ने पूछा क्यों भैया, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ मुक्ति तभी मिलती है जब गुरु जी से हम नाम को ग्रहण करते हैं। इसलिए कभी जो जमन जो डाला है ना, कभी ये गुरु जी के मंत्र है। अभी तो दही जम गई, फिर क्या करनी चाहिए? उसको मंथन करो। क्या करो? उसको मंथन। बोले मंथन क्या है? बोले जैसे गुरु जी से हरि नाम लिया, हमने माला ली गुरु जी से, मंत्र ली, अगर माला को अगर लटका कर रख दो क्या भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे आप बम्बे जाओगे, कलकत्ता जाओगे, आपने एक टिकट बनाया, अगर टिकट को अगर पकड़े में धर दो क्या बम्बे कलकत्ता में पहुंच जाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर देख करके सीट में बैठना पड़ेगा, तभी वो ट्रेन आपको अपना स्थान पर ले जाएगी। गुरु जी से हमने जो माला लिया, टिकट तो बना लिया, हमने टिकट बना दी ठाकुर के पास में जाने के लिए, हैं? लेकिन अभी ये माला को जप करना पड़ेगा, भगवान के नाम करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तभी तो जा सकते हो। इसलिए अभी हमें क्या करनी चाहिए? गुरु जी से जो माला लिए, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब हम गुरु जी से ये माला लेते हैं, ये माला नहीं, ये स्वयं ठाकुर भगवान हमें दिए है। क्या करनी चाहिए माला को? भगवान की माला जप करनी चाहिए। अगर एक दिन ये माला नहीं जप किया ना, गुरु जी कहते थे मानो आज ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी भूखे रह गए, स्नान नहीं किया ठाकुर जी, कपड़ा नहीं बदलाया ठाकुर जी, भोजन नहीं किया। कारण है भगवान स्वयं कलयुग में अपना नाम रूप में आए, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। इसलिए भगवान का नाम स्वयं कृष्ण है, ठाकुर जी है, ठीक है ना। अभी उसको मंथन करो। मंथन करोगे तो क्या निकला? एक तरफ में मक्खन, एक तरफ में छाछ। बोले भैया मक्खन किया? बोले प्रेम। जब नाम को मंथन करोगे, ये नाम से ठाकुर का प्रेम प्रकट होगा। जब प्रेम प्रकट होगा फिर भगवान क्या करेंगे? फिर दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी आएंगे, फिर वो मक्खन को खाएंगे। ये मक्खन क्या? प्रेम है मक्खन, ये प्रेम है। इसलिए मक्खन चोरी मतलब होता है भगवान मक्खन नहीं, गोपियों के हृदय को ठाकुर जी चोरी करने के लिए आते थे। बोले श्री मक्खन चोर भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ आज हम लोग श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। आप लोग कुछ गिरिराज के लिए कुछ लेकर के आए कि नहीं? कौन कौन लाए हो? ठीक है, ये गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है, गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व। देखो हम एक छोटी स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद में गिरिराज पूजा की कथा सुनाऊंगा, फिर प्रसाद लेकर जाना। देखो मैं एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी को ध्यान देकर सुना। ये स्टोरी सुनाने के बाद है ना मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ मैंने क्या स्टोरी सुनाया। बच्चे और बच्चों ध्यान देकर सबके सब सुनो। मैं तुम लोगों को पहले पूछूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे है ना पहले उनको पूछूंगा, ध्यान देकर सबके सब सुनो। ये स्टोरी को बाद में फिर मैं पूछूंगा, वो स्टोरी जो सुना देगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ ये जो स्टोरी है ना, ये जो हम भागवत कथा सुन रहे हैं इसका ये सार है। अगर ये स्टोरी को अपना जीवन में कोई उतार लिया, समझो पूरी भागवत कथा के फल आपको मिल जाएगी, पूरी फल मिल जाएगी, 7 दिन की कथा पूरी इसकी फल मिल जाएगी। इसे ध्यान देकर सुनो। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? 4। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। जब कभी बोलता था हमको ये साड़ी चाहिए, बोले चलो मल मिल जाएंगे। बोले जब ब्यूटी पार्लर में सजना चाहते, बोले चलो तेरे को ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे। बोले गोल गप्पे खाने चाहते, बोले बढ़िया गोल गप्पे वहां मिलते।
चलो बोले पराठा, बोले चलो अमुक जगह पर पराठा बढ़िया मिलता है। अभी जो जिस समय में जिस चीज की मांग करती थी राजा उसको देख करके खुश रखते थे। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी कहती ये चारों में ये सबसे सुंदरी थी। राजा जब नगर घूमने जाता था इसको सुंदर सुंदर कपड़े गहना पहना लेकर पहना करके रथ में बैठा लेता था और सबको दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो खूब बना बना करके बात बोलती, मीठी मीठी बोली बोलती थी हैं। इसलिए राजा जब अपना महल में आता था वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठी करके वो जो मीठा मीठा बोली बना बना करके बोलती थी उसको सुनकर खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसी को नहीं, तीसरी नंबर रानी को मन की बात बोलता था। जो चौथी नंबर रानी थी वह तो बड़ी प्यारी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए उसको साथ में उसने कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको कभी पूछा नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। राजा का अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का। सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे मैं प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देती। सबसे बड़ी बड़ी रानी से पूछा, बता तो बड़ी रानी कौन थी? हाँ गोलगप्पे खिलाते थे। इसलिए सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोले देख रानी मैं तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम क्या? बोले हाँ। बोले जो मांगती थी मैं वही देता था? बोले हाँ। बोले सारी इच्छा पूरी करती थी? बोले हाँ। बोले मेरे अंतिम समय है, मरने का समय आ गया तो मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे दी। बोले राजा तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलोगी। बोले क्यों? तेरे लिए जो इतना किया, बोले तेरे कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला। बोले सबसे बड़ी रानी सबसे ज्यादा धोखे दी। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? बोले जोर से, हाँ जो सबसे सुंदरी थी। राजा जिसको सुंदर सुंदर कपड़ा पहना करके दुनिया को दिखाया करता था, रानी मेरी कितने सुंदरी। बोले रानी तू क्या करोगी? तू साथ में चलोगी? तेरे को तो मैं सबसे हैं दुनिया को दिखाया करता था, चलोगी? बोले मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदरी। बोले है तो तू बड़ी प्यारी। बोले जहां जाऊंगी मेरे को पसंद कर लेगा, फिर तो मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा को प्यार को नीचे जमीन खिसक गया। बोले हे भगवान ये देख रही कि मैं मरूंगी और दूसरे से शादी करेगी। अभी तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, हाँ राजा खुश होकर सुनता था, मन की बात बोलता था। बोले रानी तू चलोगी? थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले राजा मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना? बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे तक बढ़ सकती, लेकिन उसको आगे मैं नहीं चल सकती हूँ। राजा देखा भैया ये भी किसी काम की नहीं, चार कदम बढ़ा थोड़ी जाना है। अभी उनने चौथी रानी से पूछे, चौथी रानी कौन थी? बाबा ये तो सब जानती है। इसलिए राजा जिससे कभी पूछा नहीं तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, एकदम जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा था। लेकिन राजा जब उसको पूछा साथ में चलोगी, लेकिन वही जाने के लिए राजी हुई। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ हैं, लेकिन तू एक बार भी मेरे तरफ में देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं तेरे पास में कुछ है कि नहीं। तुमने जो कुछ किया, लेकिन तेरे को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा देखा इतनी अच्छी रानी जिसको जीवन में मैं कभी कुछ पूछा ही नहीं, वही कह रही है साथ में चलेगी, और जिनके लिए मैंने जिंदगी दे दिया वो सबके सब धोखे दे दिए। देखो ये जीवन की हमारी ये सच्चाई कहानी, इसका तात्पर्य को समझो और कोशिश करो अपना जीवन में उतारने के लिए। यही पूरी भागवत का ना समझो यही सार है हैं? सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, और जिस चीज की मांग करती है ना हमें ला कर उसको दे देकर खुश रखते हैं। कहती ये कौन है सबसे बड़ी रानी, किसको ज्यादा प्रेम करते हो? बोला हम लोग किसको प्रेम करते हो? ये बोले मम्मी को। हाँ किसको प्रेम करते हो? कहते भैया इस संसार में प्रेम नाम का कोई चीज है नहीं,
जगत में स्वार्थ है। जो प्रेम हमें थोड़ी बहुत दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम दिखता है। वो मिलना बंद कर दो, उसी समय सारे संबंध को खत्म कर देंगे। बोले तुम मेरे लिए क्या किए हो, जिंदगी भरी करो, बोले तुम मेरे लिए क्या किए हो। प्रश्न है फिर हम किसको प्रेम करते हैं, कहते अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम, अपनी आप को, ये शरीर को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो सुख दे वो सबसे बढ़िया, और शरीर को जो सुख नहीं दे वो कुछ नहीं। शरीर कहता है ऐसे साड़ी पहनना चाहता हूँ, बोले चलो साड़ी पहना कर आएंगे, बोले गोलगप्पे खाना चाहते, बोले खिला करके आएंगे, बोले ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते, चलो ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे, सजा करके लाएंगे। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। अभी अंतिम समय आया, शरीर से पूछे साथ में चलोगे, कहते जब उस हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब परमात्मा चली जाए ये शरीर जहाँ के तहाँ रह जाती, ये गई नहीं। दूसरी नंबर है जो सबसे सुंदरी, कहते ये सबसे सुंदरी कौन है, कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा बाबा सब आप जानते हो, इसलिए सबसे बड़ा रुपया। क्यों, पैसा आपको पता होगा, जो कमाते हैं कितने कष्ट करके पैसा कमाते हैं उनको पता कितने कष्ट से पैसा कमाते हैं, इसलिए दूसरी है सबसे सुंदरी। उससे पूछे साथ में चलोगी, साथ में चलोगी, बोले भैया मैं तो देख रहा हूँ कब तुम मरोगे, मैं दूसरे से मैं शादी करूंगी। मतलब क्या है, कहती ये शरीर छूटते ही ये पैसा दूसरों के नाम पर झट ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए पैसा भी साथ में हमारी नहीं चलती, पैसा भी यहीं रह जाती है। बोले तीसरी नंबर कौन थी, कहते जिसकी मीठी मीठी जिसका बात सुनते थे, मन की जिसको बात सुनाया करते थे, कहते ये कौन है, बोले हमारे परिवार वाले जिनको साथ में बैठ करके दुख सुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो चल सकती लेकिन आगे मैं नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, बढ़िया रथ से जाएंगे, अर्थी में राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ, बोले शमशान तक, बोले फिर, बोले भैया टाटा करके वहीं से फिर हम वापस आ जाएंगे। अभी चौथी नंबर, राजा जिसको जीवन में कभी पूछा भी नहीं, जिसका तरफ में एक बार झांक करके भी नहीं देखा, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा वही केवल जाने के लिए तैयारी हुई, वही केवल, ये कौन है, कहते भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान की भजन। अगर किसको बोलो भैया एक तो माला कम से कम करो, 10 मिनट लगी है कि दो माला करने के लिए करो, बोले समय कहाँ है हमारे पास, सब बेकार। जिसका कोई काम धंधा नहीं ना, वही सब बैठ कर हरे कृष्ण करते रहते, सब बेकार का, ये सब बेकार का काम है। बोले भैया जो कुछ बोल दो, अंतिम समय में जब शरीर ही छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया अभी वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो सब यहीं पर पड़ा रह गया, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगी। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने, जोर से बोला पायो जी मैंने, राम बस यही धनी साथ में जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप बताओ कौन सा स्त्री को ज्यादा प्रेम करोगे, कौन सा नंबर स्त्री को, जोर से बोला, कौन कौन बोलते हो हाथ उठा, कौन कौन चौथे नंबर स्त्री को कौन कौन प्रेम करोगे। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपके समझ में सब कुछ आगे ना सबके सब। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके भगवान के लिए थोड़ी समय दो, ठाकुर के लिए थोड़ी समय दो, ठीक है ना, थोड़ा भगवान की माला जप करो, यही धनी अंतिम समय में हमारे काम में आने वाली है। इसलिए हम बैठ कर एक माला जप करेंगे, फिर गिरिराज का प्रसाद लेकर जाना, ठीक है, माला है, बैठ जाओ और थोड़ा बैठो, हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक बार जोर कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक माला जप कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा, फिर उसको बाद में सब प्रसाद लेके जाना, सबको एक माला, बच्चों ये माला ले जा, तो सबको दे दो माला,
उसको खोलो, इसको इसको तीन चार भक्तों को दे दो। तीन तीन चारों ले जाओ बांट करके, अब फटाफट हो जाएगा। हाँ ले ले जाओ, फटाफट ले जाओ। ये माला सब वापस दे देना, कोई लेना नहीं। छोटे छोटे बच्चों को मत दो, छोटे छोटे बच्चों को मत दो, बड़ों को दो। जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं जो माला नहीं कर सकते उनको मत देना। विशाखा दीदी उसका आधा कर दो और दूसरों को दे दो, चाहे तो उसको बांट दो तो ये बच्ची को। तो सबके पास पहुंच गया माला। हरे कृष्ण, देखो माला कैसे जब करोगे, देख लो है? देख लो कैसे माला, जैसे ये अंगुल को उसमें लगाना नहीं, क्योंकि ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता। हम कहते हैं ना तेरे को हम ठीक कर लेंगे, इसलिए ये अंगुल को नहीं लगाने का। ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखो, ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखना। रख करके ये नाम जप करने से पहले ध्यान देकर सुना, ये नाम जप करने से पहले हम एक नाम जप करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीवासादि श्री, श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। भगवान ये कलयुग में ये पंच रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य मतलब कृष्ण, नित्यानंद बलदेव प्रभु, अद्वैत सदासी गदाधर राधारानी श्रीवास नारद। भगवान कलयुग में ये पंच रूप में आए और जगत में हरि भक्ति को प्रचार किया, इसलिए हम इनका नाम एक बार लेकर के फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल करके एक मोती सरकाते, ठीक है? दो बार बोल करे दो मोती, तीन बार बोल करे तीन मोती, लेकिन जब ये समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करना, इसको याद रखना। ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये बीच में राधा कृष्ण को रख करके माने रास कर रहे हैं, इसलिए इसको पार नहीं करके फिर मोतियों को फिर माला को घुमा करके फिर दूसरे तरफ से माला करना। देखो इसका दो अर्थ है, कितना अर्थ है, क्या क्या? हरे हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्ण मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, देखना आप कृष्ण शब्द उच्चारण करो, ये जो भटकता हुआ मन नहीं भटकेगा, इसलिए ये क्री स्ना मतलब हमें आनंद दे, भटकते हुए मन को भटकने नहीं दे, आनंद दे। बोले राम मतलब क्या, बोले सबका हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में क्या दे, क्या दे जीवन में, आराम दे। अगर ये प्रभु का नाम करोगे ना आपको ये तीन फल मिलेगा, दुख जाएगी, भटकता हुए मन नहीं भटकेगा और जीवन में हमें शांति सुख और जीवन में आराम मिलेगा, ये प्रभु का नाम। देखो ये एक अर्थ, दूसरे अर्थ समझो, ये जो हरे शब्द है वो राधा रानी का नाम, किसका नाम है? आप लोग कोई संस्कृत पढ़े हो? हाथ उठाओ तो कौन थोड़ी थोड़ी पढ़े, थोड़ी बहुत कम से कम बच्चों ने संस्कृत पढ़े हो? देखो ये जो हरे शब्द कैसे हुआ ये चीज का समझो, इसका मूल शब्द हरा,
अगर कोई स्कूल में जैसे राम राम रामा रामो कभी अगर शब्द रूप अगर याद किए होंगे, इसका मूल जैसे लता शब्द संबोधन में लते हो जाते हैं, इसका मूल शब्द हरा, हरा मतलब क्या, कृष्ण के मान प्राण चित्त को जो हरण करती है, इसलिए उनका नाम हरा, और संबोधन में हो जाता है ये हरे मतलब हे राधिके, कृष्ण मतलब हे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर उसमें हरे राम आया, हरे तो मतलब हो गया राधा रानी, फिर ये राम राधा जी को साथ में राम कहां से आए, राधा जी को साथ में तो श्याम रहते हैं, पर राम कहां से आए, बोले ये महामंत्र में जो राम शब्द है, राधा रमयती राम, राधा जी को साथ में वो रमन रास करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम ही यहाँ पर श्री राम शब्द है। ये महामंत्र केवल ये जुगल उपासना का ही ये मंत्र, ठीक है। देखो आप लोग तो एक माला करोगे, ध्यान देकर सुनो, माला तो एक करोगे, पता है आपको कितने माला करने का फल मिलेगा, करी करी आपको कितने यहाँ पर भक्त लोग हैं, 100-150 भक्त हैं, आपको 150 माला करने का फल मिलेगा, माला तो करोगे एक, क्यों, सबके सब जो माला करेंगे सभी की आवाज सभी के कानों में जाएगी, जाने पर फिर आपको माला करने का फल मिल जाएगी। कल हम सुन रहे थे ना महाप्रभु के जब निमंत्रण दिए, बोले भैया सबके घर में खाना नहीं खाएंगे, जो लखपति होगा उसको घर में खाना खाएगी, लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको पास में हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो 1,00,000 की बात करते हो, भगवान ने क्या किया जानते हो, असली लखपति कौन, बोले कौन जो रोजाना 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं, हैं? इसलिए मीरा कहती हैं जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए, इसलिए ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊंगा, असली हीरे मोती प्रभु का नाम है, हैं? इसलिए माला तो एक करोगे, लेकिन कितने माला में, 1,00,000 होता है कितने माला में, बोलो बोलो जोर से, अब लोग इतना समझा है कुछ समझे नहीं, देखो ध्यान से देख लो और एक बार, ये लास्ट है, कल तक इतना समय नहीं होगा, देख लो जैसे उसमें जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते, दो बार बोल कर दो मोती, देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया एक बार नाम से, इसमें 108 मोती है, जब यहाँ पर खत्म हो जाए पार नहीं करके इधर घुमा देना, अगर तुमने इसे 16 माला कर लिया ना 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर लिया तो 1,00,000, भगवान कहते हैं आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट होगी, पर ब्याज कितने मिलेगी, बोले दिन दिन बढ़त सवाय, आज 1,00,000 क्या तो कल 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में, और ये धन ऐसे धन है ना, आप लोग यहाँ पर माला कर रहे हो ना, चित्रगुप्त सारे फटो ले रहा है, चित्रगुप्त कौन है जिसको पास में सारे लेखा चुका रहता है, उनको सब फटो ले रहे हैं, अब भागवत कथा में बैठ करके प्रभु का नाम जब कर रहे हो, जो ऊपर जाओगे ना यही माल ही ब्याज समेत आपको मिलेगी, लेकिन संसार का माल यहीं पर रह जाएगी, ठीक है। सबके सब मेरे साथ में जोर से बोलो, क्योंकि जितने जोर से बोलोगे ये जगत का पाप जितने दूर तक तो इसकी आवाज जाएगी, दुख कष्ट क्लेश सब खत्म हो जाएगी, और जैसे जोर से बोलोगे उसका पाप ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो करेगा नहीं उसका सर पर बैठ जाएगी, इसलिए सबके सब मेरे साथ में माला जप करो, ठीक है, बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मोती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, माला पूरी होगी ना? हाँ, सब के सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा। इसलिए जिसकी इच्छा होगी, मैं माला जब करना चाहता हूँ, कल अगर आप लोग सवेरे आओगे, कल अगर सवेरे आओगे, 8-9 बजे को अंदर में अगर आओगे,
फिर आपको एक माला में जप करने के लिए दूंगा। देखो हम माला दो तरह से देते हैं, कितने तरह से देते हैं, दो। अगर जो मांस मछली नहीं खाता है, अंडा प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, उनको हम तुलसी माला देते हैं, गले में भी तुलसी की माला देते हैं जप करने के लिए। लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, अभी एक साथ में नहीं छोड़ पाएंगे, उनको ये नीम माला, आपको जो माला जपन करने के लिए दिया है ये माला हम देते हैं। लेकिन आप लोग जरूर माला लेकर के जाओ, ठीक है, जरूर कल सवेरे आओ और एक एक माला लेकर के जाओ, अपना बच्चों को भी माला जप कराओ। देखना जो बच्चे का पढ़ाई सही नहीं हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो बच्चों को एक माला कराओ, देखना बढ़िया पढ़ाई में मन लगेगी, बच्चा पढ़ाई में बढ़िया जाएगा, टप जाएगा, ठीक है। इसलिए सबके सब कल आकर के माला एक ले लेना, माला वापस दे दो। बोले श्री गिरिराज बाबा की, भैया कृष्णा को बनाया नहीं कि कृष्ण बन गए और उसको पिता माता भी बनेगी नहीं, दिखा बन तैयारी है, हाँ उनको तैयारी करो, पांच मिनट में बुलाएंगे, अभी गिरिराज की कथा सुनेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, जयकार में आनंद नहीं आया, कल मैंने बताया था ना, गिरिराज सब इच्छा पूरी करते हैं, जिनकी नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, पैसा नहीं, धन पुत्र ऐसे कोई चीज नहीं जो गिरिराज पूरी नहीं करते हैं। गिरिराज कौन कौन गए, गिरिराज हाथ उठाओ तो देखना, गिरिराज जो शिला है ना, वो शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखोगे, मतलब क्या है, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए गिरिराज में जाओ परिक्रमा करो, गिरिराज की शिला जिसको ऊपर जितने शिला रखोगे ना, गिरिराज उतना मंजिली मकान दे देते हैं। देखो ध्यान से सुना, आप लोगों को बोले कि झूठ बात है, देखो मैं बड़ौदा में कथा करता हूँ, मैंने ये सही घटना है, एक व्यक्ति का घर में हम गए थे कीर्तन करने के लिए, जब पहला साल में हम गए उसको छोटा सा एक घर था, लेकिन जब हम द्वितीय दूसरे साल में गए वो विशाल तीन मंजिली मकान बना हुआ। मैंने कहा भैया तुम तो पिछले साल आया था आपके एक मंजिली था, ये तीन मंजिली कैसे हो गया, देखो क्या कहता है। बोले बाबा एक बार मैं गिरिराज गया था, गिरिराज की परिक्रमा की और जो गिरिराज को जो शिला है तीन शिला मैंने रख करके आया था। बोले गिरिराज मेरे को तीन मंजिली मकान देना, पता नहीं मेरी जो बिजनेस हठात कैसे बढ़ा मेरे को पता नहीं चला, इतने पैसा मेरे मिला, इतने पैसा बिजनेस में प्रॉफिट हुई, एक साल में मैंने तीन मंजिली मकान बना दी, कितना मन बना दिए तीन मंजिली। इसलिए गिरिराज सारी इच्छा को पूरी करने वाले, देखो दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है, बांके बिहारी किसको पूजा की, गिरिराज की। दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा किसने की है, भगवान बांके बिहारी राधा रानी ब्रजवासियों को लेकर गए। इसलिए जो गिरिराज गए होंगे ना, तो ना बार महीना वहां पर अन्नकूट चलती है, क्योंकि जो जो इच्छा लेकर के आते हैं गिरिराज सब इच्छाओं को गिरिराज पूरी करते हैं। इसलिए देखो बार महीना अन्नकूट चलती रहती है, उत्सव अन्नकूट वो चलती रहती है, क्यों, गिरिराज सबको इच्छा पूरी करने वाले श्री गिरिराज बाबा है। इसलिए जो जितने जोर से जयकार देगा ना उसको उतना ही जय होगा, जोर से बोला, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी गिरिराज की कथा सुनो, देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, मन लगा कर कल पांच मिनट ही है, इसके बाद में कथा की विश्राम हो जाएगी, ध्यान देकर सुना। बोले ये गिरिराज गोवर्धन आया कहाँ से, पर एक समय गोलक वृंदावन में बांके बिहारी और राधा रानी बैठे हुए थे और आपस में चर्चा कर रहे थे, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जो पृथ्वी का सबसे सुंदर, हर तरह का फल, हर तरह का फूल, सुंदर झरना हो, सुंदर सरोवर हो, जहां पर एक साथ में छह ऋतु बहता हुआ हो, जहां पर ठंडी नहीं गर्म नहीं, जहां पर सबसे बड़ा सुंदर होनी चाहिए। राधा रानी अपना हृदय से गिरिराज को प्रकट की है, ये गर्ग संहिता की कथा, राधा जी की हृदय से, जैसे राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, इसलिए वृंदावन में जाओ किसके नाम लेते हैं, जोर से बोला, किसका मुंह नहीं खोल रही है, हाँ इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु है, इसलिए ये गिरिराज भी बड़ी दयालु, क्यों, राधा जी की हृदय से गिरिराज प्रकट हुए। इसलिए एक दिन कृष्ण बोले हे राधे ये मरते जगत में मैं जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी, राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी, बोले क्यों, बोले जहां पर गिरिराज नहीं, जहां पर यमुना नदी नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं नहीं जाऊंगी,
कृष्ण बोले देखो ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो प्रभु की धाम, जब मैं जाऊंगा ये पूरा के पूरा ये धाम को मैं उतार कर ले जाऊंगा। मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मेरे साथ में सारे सखा सखी जाएंगे, तेरी साथ में तेरे पिता माता सखा सखी सब चलेंगे। राधा रानी बोली ठीक है फिर मैं तो चलूंगी। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन है वो इसी जगत का वस्तु नहीं, वो गोलोक वृंदावन से श्री गिरिराज गोवर्धन जब ये मर्त्य जगत में प्रकट हुए, सारे देवता लोग प्रसन्न होकर के स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और गिरिराज की जयकार दी। बोले श्री गिरिराज महाराज की। कहते जो गिरिराज गोवर्धन है भैया, ये पहले ये सालमल द्वीप में ये आए, द्रोण और धरा की संतान रूप में ये जन्म लिए, लेकिन ये वृंदावन में कैसे आए? आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? कहते भैया ये यहाँ पर कैसे आए? देखो इनकी दो कथा आती है, एक कथा सुन लो। बोले जिस समय भगवान राम लंका विजय के लिए लंका विजय करेंगे, इतने में समुद्र ने कहा प्रभु आपको साथ में दो बंदर है, एक नल एक नील है, इनको ऋषियों का वरदान है कोई पत्थर को स्पर्श करेंगे वो डूबेगा नहीं तैरेगा, पत्थर लेकर के आओ और इनके हाथ को स्पर्श कराओ और उसमें राम का नाम लिखो, स्पर्श करें ये पानी में ये तैरते रहेगा। और सचमुच से पानी में तैर रहा था, ये पत्थर तैर रहा था। भगवान राम ने कहा देखो बड़े से बड़े पत्थर कहीं लाओ, जल्दी जल्दी पुल बंध जाएगी। हनुमान ढूंढ रहा था कोई बड़े से बड़े पत्थर मिले, जब सालमली द्वीप में गए गिरिराज गोवर्धन को देखा। परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन परिक्रमा लगाई? कितना घंटा लगा है? बोलो कितना घंटा लगा बताओ? परिक्रमा में करके 6-7 घंटा लग जाती है परिक्रमा। इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन है, इतना बड़ा पर्वत को हनुमान जी ने देखा, अगर ले जाओ ना जल्दी जल्दी ये पुल बंध जाएगी। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा के पूरा गिरिराज को उठा लिए। और हनुमान उड़ते हुए आ रहे थे जहां पर गिरिराज गोवर्धन, जो वहीं पर पहुंचे इतने में पुल समाप्त हो गया, पुल बांधना समाप्त हो गया। राम ने कहा देखो बंदरों को बता दो और पर्वत की जरूरत नहीं, पुल बंध चुकी है। हनुमान जी गिरिराज को यहीं पर उतार दिए। हनुमान गिरिराज तो साधारण है नहीं, वो तो गोलोक वृंदावन से आए। बोले प्रभु मेरे को यहाँ क्यों उतारे? अगर मेरे को वहां तक ले जाते प्रभु चल करके मेरे ऊपर जाते, मैया सीता की सेवा में लगता, सारे भक्त लोग को चल करके जाते, ठाकुर को सेवा से मैं वंचित हो गया, प्रभु मेरे को उतार दिया क्यों? हनुमान तो साधारण है नहीं। बोले गिरिराज कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, जब श्याम बन करके आएंगे तेरे को 7 दिन तक गिरिराज को धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, तेरे ऊपर में ठाकुर जी गैया चराएंगे, पानी पिएंगे, कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अभी तो थोड़ी सेवा करते उस समय में बहुत सेवा मिलेगी, कोई चिंता मत करो। वही श्री गिरिराज श्री वहां पर विद्यमान है। इसलिए बोले एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। कृष्ण ने कहा मैया मैया ये रात भर तुम इतने सुंदर खाना क्यों बना रहे हो? क्या कल मेरा जन्मतिथि है? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ भैया की? बोले नहीं। बोले फिर? बोले तू बाबा को पास में जा, बाबा को पूछो। कृष्ण बाबा की गोद में बैठ करके दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया इतने सुंदर मालपुआ लड्डू कचौड़ी रात भर क्यों बना रहे हैं? बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा है, इनके अधीन में मेघ, इनके आदेश पर मेघ जब बारी बरसाता है घास होता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से दही बनती है, मिठाई बनती है, जो कुछ तो दूध से ही बनता है ना, और दूध ही हमारा मूल आहार है, दूध ही हमारी मूल आहार, इसलिए हम श्री इंद्र पूजा करेंगे। कृष्ण ने कहा पिताजी ये इंद्र सब कुछ नहीं, इसका गांठ में कुछ नहीं पिताजी, जब इंद्र को प्रार्थना करोगे, इंद्र पर ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, अगर ऊपर से ऑर्डर होना फिर ये इंद्र कुछ दे सकता है। बाबले बाबा ये जो गिरिराज पर्वत देख रहे हो ये हमारी ब्रज का यही देवता है, आपको घास कहाँ से गैया खाते? बोले गिरिराज से। बोले फल फूल कहाँ? बोले गिरिराज से। बोले पानी कहाँ से? बोले गिरिराज से। बोले बाबा ये मेघ आ करके गिरिराज में टकराता है,
टकरा करके जहाँ जंगल होता है टकराने पर फिर ये बारिश ही होता है। बोले पिताजी आप कितने दिन से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले जब इंद्र को भोग लगाते हो खाते हुए कभी देखा? बोले नहीं लाला। बोले पिताजी ये गिरिराज हमारी ब्रज की प्रत्येक देवता, ये पहाड़ नहीं, इनकी कृपा से ब्रजवासी कर रहे हैं। जब आप इनकी भोग लगाओगे ना, जब भोग लगाओगे देखोगे साक्षात गिरिराज प्रकट होंगे। आप इनसे जो कुछ मांगोगे, धन दौलत पुत्र परिवार संसार का सुख शांति जो मांगोगे बाबा ये सब कुछ देंगे। गिरिराज की सेवा में एक अन्न की दाना अगर किसी ने जीवन में उनकी सेवा में लगा दिया, भगवान स्वयं कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारी घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर में तुम्हारी भरपूर रहेगी। ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं बांके बिहारी बोल रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन बोल रहे हैं। श्री गिरिराज महाराज की नंद बुआ बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन मिलेगा। बोले हाँ बाबा देखोगे साक्षात गिरिराज को, अगर कोई बोल दे भैया यहाँ देवता दर्शन देंगे फिर तो हम सब भागते हैं। बोले भैया देवता दर्शन इन्हीं आंखों से दर्शन करेंगे देवता को, चलो कल हम श्री इंद्र पूजा नहीं कल किसकी पूजा करेंगे? श्री गिरिराज गोवर्धन की। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, कल श्री गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। ढिंडरा पिटवा दिया, जितने ब्रजवासी थे ना चार ही तरह का चावल बनाए। कितने तरह का? आप लोग कितने तरह का चावल बनाए हो? कुछ लाए कि नहीं बना करके? एक है फीकी चावल, एक है मिट्टी, एक है नमकीन और एक मटर पनीर डालने पर, चार तरह का चावल और दो तरह का कढ़ी। यहाँ पर कोई है? कोई? दो तरह का कढ़ी, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकौड़े के जो कढ़ी है, सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हैं। आज यहाँ हमारे श्री हाँ विनोद है ना, और उसे कविता दीदी आज सभी के लिए कढ़ी बनाए। कौन सा कढ़ी? सुहागिनी कढ़ी। और सभी के लिए चावल, सबका आज प्रसाद मिलेगा। चका चका सबको बिशाखा दीदी कहाँ गई है? यहाँ पर ठाकुर को वहाँ भोग लगा, तुलसी पता देकर सब भोग लगा, यहाँ पर जो खोला हुआ भोग लगा, इसलिए कड़ी। और वहाँ पर दाल बाटी चूरमा, चूरमा के कितना तरह का? दो तरह का तो चूरमा। राजस्थान से कोई है यहाँ पर? हाथ उठाओ राजस्थान से कौन है, जोर से हाथ उठा। कोई चूरमा फुरमा बना कर लाए कि नहीं? इसलिए वहाँ पर दो तरह का चूरमा बने, कहते एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब क्या? जिसको पतले में रखते ही खेली जाए। रोना जिसे घी टपकता है, जिसमें घी। पांच तरह का तो दाल बनवाए, मटर का दाल, उड़द का दाल, मूंग की दाल है, इसलिए मटर दाल, पांच तरह का तो दाल बनवाए। और वहां पर इतने तरह का खाना लाए ना, उसका नाम बन गया अन्नकूट। क्या बन गया? अन्नकूट मतलब क्या? कूट मतलब होता है पहाड़, रोटी का पहाड़, अन्न का पहाड़, जलेबी का पहाड़, पकोड़ा की पहाड़ है, सब पहाड़ पहाड़, रसगुल्ला की पहाड़, मालपुआ की पहाड़। क्यों? ब्रज में 365 गांव है, अभी भी ब्रज में 365 गांव, तरोली बरौली सही ऊंचा गांव, नीचा गांव, नंदगांव, बरसाना, वहां पर अभी भी ब्रज में देखोगे ना 365 गांव अभी भी ब्रज में। इतने सारे लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन केवल प्रसाद प्रसाद में गिरिराज भर गया। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत से गिरिराज की अभिषेक कृष्ण स्वयं किए। पुरुष सुप्त मंत्र पढ़ करके और गिरिराज को उन्होंने जब स्नान कराया ना, एक लोटे में पानी लाए थे डाला तो उसको केस नहीं भीजा। कृष्ण ने कहा भैया और पानी ले आओ। बोले क्या तालाब ना कुएं के? बोले नहीं, गिरिराज की गंगा पानी में अभिषेक होनी चाहिए। ब्रजवासी बोले कन्हैया हमारे इंद्र ही अच्छो थे, भैया किसी पानी में स्नान कर दो, तेरे ऐसे ठाकुर गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं। देखो तेरे गिरिराज को तभी गिरिराज मानेंगे अगर ये साक्षात गंगा प्रकट कर दे तो। कृष्ण ने बोले सोच चिंता क्यों करते हो, आंख बंद करो। क्या करो? आंख बंद करो। कृष्ण अपना मन मन में गंगा को उन्होंने स्मरण किया तो मानसी गंगा स्वयं यहाँ की मानसी गंगा प्रकट हो गई। देखा कि नहीं मानसी गंगा जो गए देखे हो ना, कृष्ण की मन से प्रकट हुई है गंगा देवी स्वयं। खूब गिरिराज को, बढ़िया से गिरिराज को गंगा पानी में स्नान कराया। स्नान करा के जितने वहां पर लाए थे ना हैं रोटी सब्जी सब में तुलसी पत्ता दे दिया। तुलसी पत्ता देकर गिरिराज को उन्होंने आसन
पाद्य आचमन देकर के गिरिराज को बुलाए और जब गिरिराज को अर्पण किया इदम सघृत नैवेद्य उपकरणम श्री गिरिराजाय नमः, साक्षात गिरिराज वहां पर प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। और सबके सब देख रहे थे सचमुच से विशाल रूप लेकर गिरिराज प्रकट हुए और हाथ बड़ा बड़ा करके गिरिराज जी प्रसाद खा रहे थे। मिनट में सब कुछ उन्होंने समाप्त कर दी। बोले आनोरे आनोरे और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब है, आप इसी में ही खुश हो जाओ ठाकुर जी। ठाकुर जी तृप्त हो गए, ठाकुर जी तृप्त हो गए। लेकिन कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल। क्या नाम था मेरे तरफ पे देखो, क्या नाम था उसका? मधु। ये ब्राह्मण है और जो ब्राह्मण है ना थोड़ी भोजन के लिए लोभी है, मीठा भोजन में उनकी थोड़ा रुचि है। मधुमंगल ने कहा कन्हैया अगली साल से तेरी गिरिराज पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तेरे ठाकुर इतने भूखे ठाकुर, एक किनका भी छोड़ा नहीं, सबके सब चट कर गया। भैया जब इंद्र पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद होता था एक महीना तक तो हम सूखा प्रसाद खाते थे, तेरे ठाकुर तो एक किनका भी नहीं छोड़े। भैया अगली बार से हम ऐसे ठाकुर पूजा नहीं करेंगे, हम तो इंद्र ही अच्छे है। कृष्ण ने कहे हमारे गिरिराज को ऐसे मत कहा करो, आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। आंख बंद किया ना गिरिराज जी, उन्होंने हाथ घुमा दिए। जब हाथ घुमा दिए जो 1 किलो लड्डू लाए थे ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो लाया था हलवा हो गया 4 किलो, जो बेसन का लड्डू लाए थे 1 किलो 2 किलो, जो जो लाए थे सब डबल डबल हो गया। बोले भैया मतलब क्या है? बोले मतलब है हम कहते हैं ना प्रसाद कभी अभाव नहीं होता, प्रसाद कभी कमी नहीं होता है, प्रसाद कभी कमी नहीं, प्रसाद बढ़ती है। सबके सब जो डबल डबल हो गया, कृष्ण ने कहा भैया चकाचक भोजन करो, चलो हम सबके सब गिरिराज गोवर्धन की हम परिक्रमा करेंगे। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज की परिक्रमा की है। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अरे वो जो गिरिराज बनाए थे कहाँ है गिरिराज? अरे लेकर के आओ ना और उसको ले आओ, भैया को गिरिराज जो बने कृष्ण को ले आओ और तो पिता माता को ले आओ, नंद जसोदा को ले आओ, चिराग उनको लेकर के आ जाओ घर में, जो सच भगवान को जो बनाया लेकर के आ जाओ। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। हाँ इधर सुना जो कल है, हाँ देखो ध्यान देकर सुना, जो कल है ये कथा का विश्राम है, कल कथा की कथा कभी समाप्त नहीं होता है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंत, कल कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कल कथा की विश्राम है। बोले गिरिराज बाबा की। देखो ये कीर्तन को बाद में ये गिरिराज को हम बीच में रखेंगे, आप लोग बैठो, क्यों खड़े हो गए, बैठ सबके सब, बीच में गिरिराज गोवर्धन को रखेंगे, आप लोग इसको परिक्रमा करना सबके सब, ठीक है? 4 बार परिक्रमा लगाना, कितना बार लगाना? जब कोई गिरिराज परिक्रमा करते है ना बांके बिहारी उसको पीछे 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 घूमते है, भैया इतना कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है ये मेरे से क्या मांगेगा, जो मांगो गिरिराज जी सब इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। हाँ देख इधर सुना ध्यान दे करके, कल का जो कथा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा, क्योंकि जो लोग आधा सुने पूरी नहीं सुन पाए लास्ट में आए, लेकिन कल कथा जो सुन लेगा ना ये 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा, इसलिए कल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कल की कथा, ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा सारे भागवत को सारांश को सुनना सुनाने के लिए, कल कथा सुनने से आपकी पूरी कथा सुनने का फल मिल जाएगी। और जो कल है भगवान भगवान बांके बिहारी की शादी, किसकी शादी है? अरे जोर से बोला, हाँ कल बांके बिहारी की शादी है। जैसे आप लोग शादी में चमक धमक पहन करके जाते हैं ना, कल सबके सब चमक धमक साड़ी, लाल रंग की साड़ी, बढ़िया एकदम, जो शादी का समय का जो साड़ी रखा हुआ उसको निकालना सबके सब और उसको पहन करके सबके सब आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की। अरे सामने से क्यों खड़े हो गए हो? सबके सब बैठ जाओ, सबके सब बैठ जाओ, सबके सब ओ कैमरा वाला भैया तुम भी हट जाओ, हाँ बैठ जाओ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। आ इधर सुना, लास्ट में सबके सब प्रसाद लेकर जाना, सभी के लिए कढ़ी चावल की व्यवस्था है, सबके सब कढ़ी चावल लेकर के प्रसाद लेकर के जाना। कल जब रुक्मिणी की शादी है और कल सुदामा का भी चरित्र है,
और सुदामा चरित्र में हम लोग अपना घर से, ध्यान देकर सुना, अपना घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना। जैसे सुदामा कृष्ण को दो मुट्ठी चिड़वा खिलवाए, उन्होंने उसको घर में सारे राज संपत्ति आ गई। कल आप लोग थोड़ी थोड़ी चावल लाना, मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी चावल आपको दूंगा। वो चावल लेकर के जाना, कपड़े में बांध करके, अपना तेजरी हो, नहीं तो ठाकुर जी के घर में वो चावल रखना। रखने से कहते माँ लक्ष्मी घर से कभी अभाव नहीं पड़ती, माँ लक्ष्मी घर में टिकी रहेगी लक्ष्मी। इसलिए कल थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आना अपना घर से, मैं यहीं से दूंगा। और कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की विवाह है, अगर आप लोगों को अगर अच्छे साड़ी दोगे, रुक्मिणी विवाह में जैसे साड़ी देते हैं, अगर अच्छे साड़ी दोगे ना, फिर वृंदावन में हम राधा रानी को हम पहनाएंगे, राधा रानी को। ठीक है, अभी प्रभु जी भजन गाएंगे और आप सबके सब नाचना भजन में, और गिरिराज की परिक्रमा जाना। प्रभु जी बोलो बोले, गिरिराज महाराज की बड़ी बारी मुक्ति चल रही है। अरे चलते आवर कम हो, ये सिटी माता से कम करो भाई। हमारे यहाँ भजन के हमें भैया गिरिराज जी सबसे बड़ो, गिरिराज जी इतने बड़े ठाकुर जी, इतना बड़ा ठाकुर कोई ना, क्योंकि 21 किलोमीटर को सुरू था गिरिराज जी को, इतना बड़ा ठाकुर कोई नहीं हो सकता है। गिरिराज जी सबसे बड़ो, जाति बड़ो ना कोई, जो आपकी पूजा करे आप छोरे छोरा हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात की। मैं देखो भगवान गिरिराज का आगे उनको खड़े कर दो ऊपर में, अभी तो क्या कर रहा, इसको खड़े कर दो यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ मैया पिता माता भी आ जाओ, उसको खड़े करो ना एक बार। हाँ देखो गिरिराज गोवर्धन आ गया, सबके सब ताली बजाओ, सबके सब गिरिराज के दर्शन करो, और उनको पिता माई पिता माता भी गिरिराज के आ गए। और इनको जो सजा है ना, हमारी अंदर में जो चैतन्य चंद्र है, हैं? ये बच्चा ने आज ये भगवान को गिरिराज गोवर्धन कृष्ण को सजाया। ठीक है, बोले गिरिराज बाबा की, बोले गिरिराज धारण की जय। जय श्री राम करके तम मंदन चले सब गोवर चलो चले
Let's go.
Oh, 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 oh
जय जय श्री राधे।